इन वसलात वसलाम अला अशरफ़िल खल्क़ सैयदना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला आलिही व अस्हाबिही अजमाइन अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ़ शहर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अस्सलात वस्सलाम अलैक या रसूलल्लाह, अस्सलात वस्सलाम अलैक या नबीअल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह का लाख लाख शुक्र और उसका एहसान है कि परवरदिगार आलम ने हमें और आप सबको आज की ये मुबारक शब 27वीं शब क़द्र अता फ़रमाई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है परवरदिगार आलम हम सब की इस रात की इबादत को अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए और हम सब की जायज़ मुरादों को इस मुबारक रात के सदक़े में अल्लाह पूरा फ़रमाए। आम तौर पर इस वक्त दुनिया में लोगों के जहन में जो एक चीज़ है वो ये है कि 27वीं शब शब क़द्र है, यानी लोगों ने अपनी तरफ से एक रात को ख़ास कर लिया कि 27वीं शब शब क़द्र है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी अहादीस के अंदर कहीं भी ख़ास नहीं फरमाया, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फ़रमान आली शान है। हुजूर ने इरशाद फरमाया कि शब क़द्र को रमज़ान की आखिरी ताक रातों में तलाश करो, यानी हुजूर ने तलाश करने का हुक्म दिया। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद इस जुमले से क्या था, हमारे नबी का मकसद, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद क्या था हुजूर ये फरमाने से कि शब क़द्र को तलाश करो। माज़ल्ला 100 बार माज़ल्ला, कि क्या हम में से कोई इंसान ये सोच सकता है कि हमारे नबी को ख़ुद मालूम नहीं था? करोड़ रहा बार माज़ल्ला कि हमारे जहन में कभी ऐसी बात भी आए। हमारा ईमान है वअल्लमक मा लम तकुन तालम, के ऐ महबूब हमने आपको वो सब सिखा दिया जो आप नहीं जानते थे, और कोई गैब क्या तुमसे छुपा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार ने फरमाया तलाश करो, तो हुजूर तो जानते थे कि कौन सी रात शब क़द्र है, जानते थे, लेकिन उसके बावजूद भी हुजूर ने फरमाया तलाश करो। हुजूर ने ख़ास क्यों नहीं फरमाया एक रात को, ये एक बहुत बड़ा सवाल है हमारे जहन में। हुजूर ख़ास फरमा देते तो उम्मत का फ़ायदा हो जाता, यानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कोई एक रात ख़ास फरमा देते कि ये रात शब क़द्र है जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया इन्ना अनज़लनाहू फ़ी लैलतिल क़द्र, कि हमने शब क़द्र में कुरान को नाज़िल फरमाया, और ए लोगों वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र, तुम शब क़द्र के बारे में क्या जानते हो? फिर अल्लाह ने जवाब इरशाद फरमाया लैलतुल क़द्र खैरुम मिन अल्फ शहर, के शब क़द्र 1000 महीनों से अफजल है। तो इतनी अजीम रात अल्लाह चाहता तो कुरान में वजाहत कर देता, या मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो किसी एक रात को ख़ास फरमा देते। ख़ास फरमा देते तो इसमें हमारा आपका फ़ायदा हो जाता, उम्मत का फ़ायदा हो जाता, हमें मालूम होता कि एक रात है, यही रातें हम उसमें इबादत कर लेते, फ़ायदा हो जाता। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, फ़ायदा नहीं होता, बल्कि फ़ायदा जो हुजूर का फरमान है उसमें है, क्योंकि अल्लाह और उसके रसूल की हर बात में और हर काम में हज़ारों लाखों हिकमतें पोशीदा हैं जो बंदे की समझ से बाहर हैं, हज़ारों लाखों हिकमतें। हमारे जहन में ये सवाल आ रहा है कि हुजूर एक रात को ख़ास फरमा देते कि ये रात शब क़द्र है, हम इबादत कर लेते मज़ा आ जाता, हमें नेकियां मिल जाती, सवाब मिल जाता, लेकिन हुजूर ने एक रात को ख़ास नहीं फरमाया। हमारे जहन में एक रात ख़ास होती तो ज़्यादा फ़ायदा हो जाता, लेकिन सरकार के फरमान की हिकमत देखिए, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन आखिरी अशरे में तलाश करो ताक रातों में, यानी ख़ास फरमा देते तो एक रात की इबादत मिलती, हुजूर ने ख़ास नहीं फरमाया तो 5 रातों में हमें इबादत करने का मौका मिल रहा है। तो हमारे एतबार से तो फ़ायदा क्या होता हमारा कि एक रात ख़ास हो जाती, लेकिन हकीकत में हमारा फ़ायदा हमारे नबी से ज़्यादा कौन जान सकता है। कुरान कह रहा है लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम अज़ीज़ुन अलैहि मा अनितुम हरीस,
حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ کہ تمہارے درمیان اللہ نے ایسا پیغمبر مبعوث فرمایا ہے کہ تمہارا ذرا سا پریشانی میں پڑنا ان کو گرا گزرتا ہے، تکلیف امتی کو ہوتی ہے مگر اس کا احساس مدینے والے مصطفیٰ کو ہوتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے بارے میں جو بہتر ہے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے، جو ہمارے لیے نفع بخش ہے، جو ہمارے لیے فائدہ مند ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہی بیان فرما رہے ہیں۔ اس لیے کہ دنیا میں کوئی انسان کسی سے اتنی محبت نہیں کر سکتا جتنا کہ ہمارے آقا اپنی امت سے محبت فرماتے ہیں، جتنا ہمارے نبی ہمارے اس امت سے محبت فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے، حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تمام نبیوں کو ایک خاص دعا عطا فرمائی، انہوں نے دنیا میں ہی اس دعا کو کر لیا، مجھے بھی دی مگر میں نے وہ دعا نہیں کی، وہ دعا میں نے قیامت کے لیے چھوڑ دی کہ جب میری امت گنہگار قیامت کے میدان میں نفسی نفسی کے عالم میں ہوگی اس وقت میں وہ دعا کروں گا۔ کس لیے؟ اپنی امت کی بخشش کے لیے۔ حضور نے پریشانی کی زندگی گزاری مگر اپنے لیے کبھی میرے نبی نے وہ دعا نہیں کی، وہ دعا قیامت کے دن کے لیے امتیوں کے لیے چھوڑ دی کہ اللہ میری امت کی اس کے ذریعے شفاعت فرما دے۔ تو ایک طرف تو ہمارا اپنا دماغ ہے اور دوسری طرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ہم اپنے دماغ کے اعتبار سے، ہمارا چھوٹا سا دماغ ہے، چھوٹا سا دماغ ہے، ہم اس کے اعتبار سے سوچ سکتے ہیں کہ ہمارے لیے فائدہ مند یہ تھا۔ چونکہ انسان بہت سست ہے، بہت کاہل ہے، بہت سست ہے، بہت کاہل ہے، اس کے جسم میں سستی ہے، وہ کم عبادت چاہتا ہے، لیکن رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے لیے اس لیے نفع بخش ہے کہ حضور نے خاص نہیں فرمایا تاکہ میری امت کے لوگوں کی عمر دوسری امتوں کے حوالے سے بہت زیادہ کم ہے۔ قرآن عظیم میں ہے، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خَمْسِينَ عَامًا کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو 950 سال کی عمر عطا فرمائی، وہ 950 سال تبلیغ کرتے رہے۔ تو اب یہاں غور کرنے والی بات ہے کہ 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے تبلیغ کی تو ان کی امت کے لوگ بھی تو اس عمر کے رہے ہوں گے، جبھی تو انہیں تبلیغ کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب رنجیدہ ہوئے پچھلی امتوں کی عمر کو سن کر کہ ان کی 500 سال، 600 سال، 800 سال، 1000 سال عمر ہوتی تھی، میرے آقا رنجیدہ ہوئے کہ میری امت کی جو عمر ہے وہ بہت کم ہوگی، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن میری امت نیکیوں میں اس ان امتوں سے پیچھے رہ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا، محبوب پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ہم نے تمہاری خاطر، اے میرے محبوب ہم نے تیری خاطر ایک رات کو 1000 راتوں سے افضل کر دیا ہے، کہ یہ ایک رات عبادت کر لیں گے تو 1000 مہینوں کا ثواب ہمیں اسے عطا کریں گے، میرے محبوب یہ تیری نسبت کی وجہ ہے، اے میرے محبوب یہ نسبت کی وجہ ہے کہ ہم نے ایک رات کو 1000 مہینوں سے افضل بنا دیا۔ تو عام طور پر حدیث کے اندر جہاں جہاں بیان کیا گیا وہ یہی بیان کیا گیا، میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب قدر کو آخری طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اب وہ طاق راتیں کون سی ہیں؟ 21، 25، 23، 25، 27، 29، یہ 5 راتیں شب قدر ہیں، لیکن لوگوں نے ایک رات کو جو ہے، لیکن خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ نے ان 5 راتوں کو جاگنے کا، عبادت کرنے کا، قرآن پڑھنے کا، دعائیں کرنے کا موقع عطا فرمایا کہ اللہ اس کے ذریعے سے ان کے نامۂ اعمال میں 1000 مہینوں کی عبادت کے ثواب لکھ دے گا۔ آپ کو معلوم ہے کہ اعتکاف آخری 10 دنوں میں کیوں ہیں؟ اعتکاف آخری 10 دنوں میں کیوں ہیں؟ سیم 10 دن اس سے پہلے بھی تو ہیں، یعنی 11 رمضان سے بھی اس تک سیم 10 دن اس سے پہلے بھی ہیں، کوئی تبدیلی نہیں ہے، اور سیم 10 دن اس سے پہلے بھی ہیں، تو 2 بار 10 دن چھوڑ دیے گئے اور آخر کے 10 دنوں کو اعتکاف کے لیے قبول کر لیا گیا، آخر ایسا کیوں؟ اس لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی آخری 10 دنوں میں مسجد میں اعتکاف فرمایا کہ میں مسجد میں اللہ کے گھر میں رہ کے 10 دن میں عبادت کروں گا تو میں شب قدر کی برکتیں پالوں گا۔ اعتکاف اس لیے آخری 10 دنوں میں ہے چونکہ انہی آخری 10 دنوں میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے،
इसलिए आखिरी 10 दिनों में एतकाफ़ किया जाता है कि इंसान दुनियादारी से ला ताल्लुक़ हो जाए, रिश्ता तोड़कर अल्लाह से रिश्ता जोड़ने के लिए अल्लाह के घर में आ जाए, 10 दिन इबादत करे, तो उसे ज़रूर बिज़रूर शबे कद्र की बरकतें हासिल हो जाएंगी। आखिरी 10 दिनों में से कोई एक रात शबे कद्र है, लेकिन इस वक्त उम्मत मुस्लिमा ने अपने तौर पर 27वीं शब को शबे कद्र जो है शुमार करने के बाद में बस इसी एक रात जागने का मौका जो है उन्हें मिलता है और वो जाग भी लेते हैं, ये सोचते हैं हमें शबे कद्र की बरकतें मिल गई। ये उनके अपने गुमान में है, लेकिन बहरहाल अल्लाह करम फरमाने वाला है। हदीस पाक में है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, अमल का दारो मदार इंसान की नियत पर है। और मैं तो ये समझता हूँ कि इंसान पूरी साल, सिर्फ रमज़ान नहीं, पूरी साल पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे यकीन के साथ, पूरी मोहब्बत के साथ, पूरे खलूस के साथ साल भर में किसी भी रात इबादत कर लेगा, उसके लिए वो रात भी शबे कदर से कम नहीं होगी। अगर ईमानदारी से इंसान पूरी ज़िंदगी इबादत करे तो हर रात उसके लिए शबे कदर है, क्योंकि अल्लाह हमारी नीयत देखता है, अल्लाह दिलों की कैफियत को देखता है। अल्लाह की नज़र चेहरे पे नहीं होती है, अल्लाह की नज़र लिबास पे नहीं होती है, अल्लाह की नज़र कपड़ों पे नहीं होती है, अल्लाह बिल्डिंग और हवेली को नहीं देखता है। मेरे नबी ने फरमाया, इन्नल्लाहा ला यंज़ुरु इला सुवरिकुम वला इला अजसामिकुम वलाकिन्नल्लाहा यंज़ुरु इला कुलूबिकुम। अल्लाह ना तुम्हारे चेहरे को देखता है, ना जिस्मों को देखता है, ना बिल्डिंग ना हवेली को देखता है, अल्लाह की नज़र तो तुम्हारे दिल पर रहती है। चेहरे को साफ़ करने से पहले दिल को साफ़ करो। चेहरे पे लोगों की नज़र रहती है, दिल पे अल्लाह की नज़र रहती है, और अल्लाह की नज़र जब दिल पे रहती है तो फ़ैसले तुम्हारे दिलों के मुताबिक होते हैं, फ़ैसले तुम्हारी नियत के मुताबिक होते हैं। जैसी नियत रखोगे अल्लाह तुम्हारे हक़ में वैसे ही फ़ैसला फरमाएगा। तो अगर इंसान पूरी साल इबादत यकीन के साथ, ईमान के साथ, दूसरों के हकूक़ को अदा करते हुए, माँ बाप के हकूक़ को अदा करते हुए, बीवी शोहर के हकूक़ को अदा करते हुए, औलाद के, पड़ोसियों के, मिलने वालों के, सब के हकूक़ को अदा करते हुए, सबको राज़ी करते हुए अल्लाह की रज़ा के लिए अगर हर रात पेशानी झुका देगा तो मैं समझता हूँ हर रात भी उसे शबे कद्र का सवाब मिलेगा, चूँकि सब कुछ नीयत के ऊपर है। आज का हमारा शबे कद्र की मुनासिबत से 27वीं शब शबे कद्र है, और सिर्फ़ अल्लाह जानता है कि मुमकिन है ये आज की रात ही अल्लाह के नज़दीक शबे कद्र हो, जिसके बारे में फ़रमाया गया कि उसको एक रात जिसमें कुरान अल्लाह ने नाज़िल फ़रमाया। तो आज का हमारा मौजू है कि सहाबा इकराम रिदवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन का उनकी अपनी ज़िंदगी में हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क करने का मिजाज कैसा था, यानी सहाबा इकराम हुजूर से कैसी मोहब्बत फरमाते थे, सहाबा इकराम हुजूर से किस कदर मोहब्बत फरमाते थे और उनकी मोहब्बत करने का अंदाज़ क्या था, हुजूर की फरमा बरदारी किस अंदाज़ में करते थे और हुजूर की फरमा बरदारी का अंदाज़ क्या था, हुजूर के मुकाबले में दुनिया की और दीगर जो चीज़ें थीं वो उनके नज़दीक किस कदर अहमियत रखती थी, और हुजूर की ज़ात और हुजूर की निस्बत सहाबा इकराम के लिए किस कदर अहमियत थी। आप यहाँ तक अंदाज़ा लगा लीजिए कि सहाबा इकराम की वो मुकद्दस जमात है कि जिस जमात ने सिर्फ हुजूर की निस्बत की खातिर, हुजूर की निस्बत की खातिर घर को भी छोड़ दिया, ख़ानदान को भी छोड़ दिया, रिश्तेदारों को भी छोड़ दिया, माल को भी छोड़ दिया, ज़मीन भी छोड़ दिया, घर बार भी छोड़ दिए, बीवी बच्चे भी छोड़ दिए, तमाम निस्बतों को तोड़ने के बाद मदीने वाले मुस्तफ़ा से निस्बत छोड़ ली, चूँकि वो जानते थे, उन्हें मालूम था कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुल्लु सबबिन व नसबिन यनक़तिउ यौमल क़ियामत इल्ला सबबी व नसबी। हुज़ूर ने फरमाया क़यामत के दिन जितने रिश्ते, जितने नस्बतें हैं सब टूट जाएंगी सिवाय मेरी नस्बत के, मेरी नस्बत बाकी रहेगी, मेरा रिश्ता बाकी रहेगा, मेरी मोहब्बत बाकी रहेगी। सहाबा इकराम इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए थे, उन्होंने कुरान को पढ़ा था, कुरान के ऐलान को भी पढ़ने के बाद समझ गए थे। कुरान का ऐलान था, यौम यफ़िर्रुल मर्उ मिन अखीहि व उम्मिही व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि, कि क़यामत का दिन वो दिन है कि जिस दिन बीवी शोहर से, शोहर बीवी से, माँ बेटे से, बाप भाई से, इस कंडीशन में सब एक दूसरे से भाग रहे होंगे, कोई किसी को पहचानने वाला नहीं होगा।
हुजूर ने फरमाया क़यामत के दिन सारे रिश्ते टूट जाएंगे, सारी नस्बतें ख़त्म हो जाएंगी, सारे मामलात ख़त्म हो जाएंगे, कहीं किसी को कोई नस्बत कोई रिश्ता फ़ायदा नहीं देगा। ऐसे आलम में हुजूर ने फरमाया नस्बत सिर्फ मेरी काम आएगी, मेरी नस्बत बाकी रहेगी, मेरी ग़ुलामी का पट्टा अगर गले में पड़ा है तो अल्लाह क़यामत के मैदान में भी इज़्ज़त देगा, मेरी ग़ुलामी का पट्टा अगर क़यामत के दिन भी तुम्हारे ऊपर पड़ा है तो क़यामत का दिन और लोगों के लिए तो 50,000 साल का दिन होगा मगर तुम्हारे लिए लम्हे की तरह गुजर जाएगा। अगर मेरी ग़ुलामी का पट्टा पड़ा है, लोग प्यास की शिद्दत से तड़प रहे होंगे लेकिन अगर तुम्हारे गले में मेरी ग़ुलामी का पट्टा पड़ा है तो मैं अपने हाथों से तुम्हें जामे कौसर पिलाऊँगा। अगर तुम्हारे गले में मेरी ग़ुलामी का पट्टा पड़ा हुआ है तो लोग पसीने में डुबकी लगा रहे होंगे, आसमान और सूरज बहुत नीचे होगा, परेशान होंगे लोग गर्मी की वजह से, मगर मेरे नबी फरमाते हैं अगर तुमने मेरी ग़ुलामी को सच्चे दिल से कबूल कर लिया होगा तो क़यामत के दिन भी अल्लाह तुम्हें अपने अर्श के साये में जगा देगा। ये सारी बरकतें मदीने वाले मुस्तफ़ा की नस्बत की हैं। ये नस्बत का कमाल है, ये ग़ुलामी का कमाल है, ये हुजूर के ग़ुलाम बनने का कमाल है, हुजूर की दीवानगी का कमाल है, हुजूर के इश्क का कमाल है। इसलिए किसी ने कहा ना कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यानी अगर तू हुजूर से मोहब्बत करता है और हुजूर का वफ़ादार है कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यानी अगर तू नबी का ग़ुलाम है तो समझ ले हम तेरे हैं, और सिर्फ हम ही नहीं ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, और हम क्या ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, सब कुछ तेरे लिए है अगर तू सही माना में मुस्तफ़ा जाने रहमत का ग़ुलाम है। मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, यानी हुजूर की नस्बत, हुजूर की मोहब्बत, हुजूर की ग़ुलामी, हुजूर की दीवानगी, हुजूर की ज़ात, हुजूर का ख़याल, उस बाबरकत ज़ात के नाम पर मर मिटने का जज्बा, यही ईमान की बुनियाद है। और अगर यहाँ कमी है तो नमाज़ें रोज़े कोई चीज़ काबिल कबूल नहीं होगी। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक जन्नत में रहने वाला उसने क्या किया, नबी की शान में गुस्ताखी की, तो अल्लाह ने उसे जन्नत से बाहर निकाल दिया। अब जो लोग दुनिया में हैं जन्नत में गए ही नहीं हैं, वो इमामुल अंबिया की शान में गुस्ताखी करके जन्नत में कैसे जाएंगे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के भी सरदार हैं, तो आदम की शान में गुस्ताखी करने वाला जन्नत में रहता था इबलीस, उसे बाहर निकाल दिया गया। फरमाया गया जन्नत महबूब के ग़ुलामों के लिए है, महबूब तो मालिक जन्नत हैं, जन्नत तो महबूब के ग़ुलामों के लिए है, महबूब मालिक जन्नत हैं, जन्नत में वही रहेगा जिसके गले में 100% ईमानदारी वाला ग़ुलामी का पट्टा पड़ा होगा। उसने जानते हो क्या कहा था, उसकी गलती क्या थी, हज़ार बार आपने ये वाक़या सुना है लेकिन लोग आज तक मैं समझता हूँ इस वाक़े की हकीकत को नहीं समझ पाए। लोग कहते हैं उसने अल्लाह का फरमान सजदा करने को नहीं माना, अल्लाह ने कहा सजदा कर, उसने सजदा नहीं किया, लेकिन इसमें सिर्फ एक बात नहीं है और भी बहुत सारी बारीक बातें। अल्लाह ने उसे सवाल किया था मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, कि तूने सजदा क्यों नहीं किया, जब मैंने तुझे हुक्म दिया तो तूने सजदा क्यों नहीं किया। मा मना का अल्लाह तस्जुदा इज़ अमरतुक, जब मैंने हुक्म दिया तो सजदा क्यों नहीं किया, तो उसने जवाब में क्या कहा था, ऐ अल्लाह अना खैरु मिन्हु, मैं सजदा नहीं करूँगा इसलिए कि मैं उनसे बेहतर हूँ। गौर कीजिए इस जुमले पर, क्या कहा, अना खैरु मिन्हु, मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं कैसे सजदा कर सकता हूँ, मैं उनके जैसा नहीं हूँ, मैं उनसे अफजल हूँ, मैं उनसे बेहतर हूँ, मैं सजदा नहीं करूँगा। क़ाला अना खैरु मिन्हु खलकतनी मिन नारें व खलकतहू मिन तीन, मैं सजदा नहीं करूँगा, मैं बेहतर हूँ उनसे। अब आप ज़रा अंदाज़ा लगाइए,
अल्लाह के सामने क्या कहा, मैं बेहतर हूँ। हमें से इंसान कैसे समझ सकता है कि मैं बेहतर हूँ? ये वाला मिजाज, यही मिजाज इस पर गौर करने वाली बात है, जो इब्लीस ने कहा था ना मैं बेहतर हूँ, अल्लाह को ये पसंद ही नहीं आया, अल्लाह को उसका ये जुमला ही पसंद नहीं आया, उसकी ये ज़हनियत पसंद ही नहीं आई, अल्लाह को उसकी ये फ़िक्र पसंद नहीं आई कि मैं बेहतर हूँ। इसमें दो चीज़ें, एक तो मैं है और एक अफजल होने का तसव्वुर है कि मैं बेहतर हूँ। ये दो चीज़ें उसमें अल्लाह को पसंद ही नहीं आई। अब ज़रा गौर कीजिए, जब ये दो चीज़ें अल्लाह को पसंद नहीं आई और इस वजह से जन्नत में रहने वाला, जन्नत की नेमतों से माला माल होने वाला फरिश्तों का उस्ताद क़यामत तक के लिए शैतान बनाकर लानत का तौक डालकर उसके गले में मर्दूद करार दिया जा सकता है, जो जन्नत में रहता था फरिश्तों का उस्ताद था, तो अगर कोई आम इंसान के मिजाज के अंदर ये बात आ जाए कि मैं बेहतर हूँ, तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए उसका हश्र क्या होगा। और ये है इस वक्त दुनिया में बहुत तेज़ी के साथ ये बीमारी आज दुनिया में फैलती जा रही है। जिसके पास थोड़े से पैसे ज़्यादा हैं मैं बेहतर हूँ, जिसके कपड़े अच्छे हैं मैं बेहतर हूँ, जिसका रंग गोरा है मैं बेहतर हूँ, जिसके पास गाड़ियाँ ज़्यादा हैं मैं बेहतर हूँ, जिसका ख़ानदान बड़ा है मैं बेहतर हूँ, जिसका बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा सुपर पावर है मैं बेहतर हूँ, जिसके दोस्त बहुत ज़्यादा हैं मैं बेहतर हूँ, जो किसी प्रशासन के बंदे से रिलेशन रखता है मैं बेहतर हूँ, किसी नेता से उसकी जान पहचान है मैं बेहतर हूँ। ये जो बेहतर होने वाला कॉन्सेप्ट है इस वक्त में, आप अंदाज़ा लगाइए ये बहुत तेज़ी के साथ लोगों के माइंड में ट्रांसफ़र हो रहा है, मैं बेहतर हूँ, मैं अफजल हूँ। इसमें दो ख़राबियाँ हैं, पहले तो मैं, ये मैं ही तो है जिसने भाई को भाई से जुदा कर दिया, ये मैं ही तो है कि जहाँ बेटी अपनी माँ से जुदा हो गई, ये मैं है कि बेटी मायके से जुदा है, ये मैं है कि बेटा अपने घर पे आने से माँ बाप से शादी के बाद रिश्ता तोड़ के चला जाता है, मैं है ये मैं है कि एक इमाम और मुख्तदी का रिलेशन ख़राब है, ये मैं है कि एक भाई का भाई दुश्मन है, बहन बहन आपस में दुश्मन है, मैं है ये मैं। और अगर यही बीमारी ख़त्म हो जाए तो आज भी हमारा मुआशरा जन्नत निशान बन सकता है। उसने कहा था आना खैरु मिन हो, मैं बेहतर हूँ, अल्लाह को ये बात पसंद ही नहीं आई। हम बेहतर हैं कैसे? इस्लाम का मिजाज ये है, अपने आप को बेहतर समझने से पहले ज़रा पैदाइश पर गौर कर लेना और अपने मौजूदा वजूद पर गौर कर लेना, अपने वजूद पर, अपनी पर्सनालिटी पर, अपने आप पर गुरूर करने से पहले कि मैं बेहतर हूँ, एक बार गौर कर लेना कि अल्लाह ने तुम्हें नापाक कतरे से पैदा किया है। अल्लाह चाहता तो किसी और ज़रिए से पैदा कर देता, वो मालिक है, वही है जो इज़्ज़त देता है, वही है जो ज़िंदगी देता है, वही है जो कमाल देता है, वही है जो जमाल देता है, वही है जो ज़िंदगी का मालिक है, वही है जो क़यामत के दिन का मालिक है, वही है जो हश्र के दिन का मालिक है, वही है जो हर सांस पर कब्ज़ा है जिसका, वही है जो इज़्ज़तें देता है, वही है जो रसूल जो है ज़लील फरमा देता है। वतुइज़्ज़ु मन तशाउ वतुज़िल्लु मन तशाउ बियदिकल खैर। वो चाहता तो किसी और अंदाज़ में पैदा कर देता, लेकिन क्यों ऐसा हुआ? ऐसा क्यों हुआ कि अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया इंसान को, ये नापाक कतरा ट्रांसफ़र हुआ बच्चेदानी के अंदर और उसके ज़रिए बच्चे को पैदा किया। अल्लाह मालिक है, जिस अंदाज़ में चाहता था वो पैदा कर देता, लेकिन क्यों ऐसा? इसलिए ताकि इंसान के दिमाग में हर वक्त ये बात मौजूद रहे कि मेरे पास कोई ऐसा एंगल नहीं है कि जिस बुनियाद पर मैं तकब्बुर कर सकूँ, सिर्फ इसलिए ताकि इंसान को अपनी पैदाइश का तरीक़ा याद रहे कि तो तुझे अल्लाह ने नापाक कतरे से पैदा किया, तेरे पास कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर तू गुरूर कर सके। इंसान फ़ख्र कर सकता है, गुरूर नहीं। फ़ख्र और गुरूर में बड़ा फ़र्क है, फ़ख्र और गुरूर में बड़ा फ़र्क है। गुरूर होता है किसी को हकीर समझना और उससे अपने आप को बेहतर समझना, यह है गुरूर। किसी को कमतर समझना, अपने आप को बेहतर समझना, घर में, दौलत में, कमाल में, जमाल में, हुस्न में, खूबी में, इन सारी चीज़ों में,
लेकिन फ़ख्र ये है कि दूसरे को भी बेहतर समझना और जो चीज़ अल्लाह ने आपको दी है उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना, ये फ़ख्र है, ये रश्क है, नस्बत पर फ़ख्र है। हमें फ़ख्र है कि हम गरीब नवाज़ के ग़ुलाम हैं, हमारी ये नस्बत है, हमें इस पर फ़ख्र है। तकब्बुर नहीं है, फ़ख्र है इस बात पर, फ़ख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें ईमान की दौलत से माला माल किया, फ़ख्र है हमें इस बात पर कि अल्लाह ने हमें उस नबी का उम्मती बनाया कि जिस नबी का उम्मती बनने के लिए इब्राहिम खलीलुल्लाह बारगाह इलाही में दुआ कर रहे थे। फ़ख्र है हमें इस नस्बत पर, हमें फ़ख्र है इस मुबारक महीने पर जो रमज़ान का महीना अल्लाह ने हमें अता फ़रमाया, हमें फ़ख्र है आज की इस मुबारक रात पर शब कद्र पर कि ये रात अल्लाह ने हमें अता फ़रमाई, हमें फ़ख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें रसूल का ग़ुलाम बनाया, हमें फ़ख्र है इस बात पर कि अल्लाह ने हमें तमाम गलत कामों से बचाकर ईमान की दौलत से कुरान जैसी अजीम दौलत अल्लाह ने हमारे सीने में अता फ़रमाई, यह है फ़ख्र। तो यहाँ हम मिली हुई नेमत पर, जो अल्लाह की तरफ से हमें नेमत मिली है, उसको महसूस भी कर रहे हैं, उसको फील भी कर रहे हैं और उस पर शुक्र खुदा कर रहे हैं, यह है फ़ख्र। लेकिन यहीं पर किसी और के साथ हमारा तकब्बुर हो जाता, किसी और को कमतर समझते, बुरा समझते, नीचा समझते, तो ये हो जाता गुरूर। तो कुरान का ऐलान क्या है कि ऐ लोगों, जिस वक्त में शैतान ने कहा था अना खैरु मिन्हु, मैं बेहतर हूँ, तो अल्लाह ने उसको बाहर निकाल दिया। इंसान से क्या कहा गया, ऐ इंसान तेरी पैदाइश एक नापाक कतरे से हुई है, ये तो एक बात हुई। उसके बाद ज़रा तू अपने जिस्म के अंदर गौर कर ले, उम्दा लिबास पहनने के बाद, अच्छे कपड़े पहनने के बाद, अपने चेहरे और बदन को साफ़ करने के बाद, खूबसूरत सा परफ्यूम अपने जिस्म पर लगाने के बाद, ऐ इंसान तो दुनिया के सामने खूबसूरत और खुशबूदार हो जाता है, लेकिन ज़रा अपने अंदर झांक के देख के तेरे अंदर कितनी गंदगी भरी हुई है। लेकिन वो अल्लाह की ज़ात है जिसने इस गंदगी पे पर्दे डाले हुए हैं। ऐ इंसान ज़रा गौर तो कर कि वो ज़ात है खुदा की कि जिसने इस गंदगी से, नापाक कतरे से तुझे पैदा किया, गंदगी तेरे वजूद के अंदर मौजूद है, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह ने तुझे सामने, दूसरों के सामने खूबसूरत चेहरा भी दिया है, खूबसूरत पर्सनालिटी भी दी है, और तू ज़रा सा तैयार होने के बाद लोगों के दरमियान मुअज्जज़ मेहमान बन जाता है। ये सिर्फ़ अल्लाह का करम है। वरना ऐ इंसान, जितने तूने अपनी ज़िंदगी में दिन के उजालों में और रात की तन्हाइयों में गुनाह किए ना, अगर अल्लाह उन ऐबों को ज़ाहिर कर दे तो दूसरे अपने घर वाले भी बराबर बिठाना पसंद ना करें। लेकिन ये सिर्फ़ अल्लाह का कमाल है, अल्लाह का कमाल है, उसके महबूब की नस्बत का कमाल है। चूँकि अल्लाह ने महबूब से वादा फरमाया, ए महबूब, ए महबूब, कौम मूसा ने गुनाह किया, मैंने अजाब फौरन नाजिल किया, कौम नूह ने गुनाह किया, मैंने अजाब फौरन नाजिल किया, कौम ईसा ने गुनाह किया, मैंने अजाब फौरन नाजिल किया, मगर मेरे महबूब आपकी उम्मत में अजाब नहीं भेजूँगा, आपकी उम्मत में अजाब नहीं भेजूँगा। क्यों महबूब अजाब इसलिए नहीं भेजूँगा, चूँकि मेरी रहमत को हया आती है कि उस कौम में अजाब भेजूँ जिस कौम में मेरा महबूब मौजूद हो। मेरी रहमत को हया आती है कि जिस कौम में मेरा महबूब मौजूद हो उस कौम में मैं अजाब भेजूँ। कुरान शाहिद है, वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम वअंता फ़ीहिम, ए महबूब अल्लाह आपकी उम्मत में अजाब नाजिल फरमाएगा नहीं। क्यों? इसलिए कि आप इस उम्मत में मौजूद हैं, आप मौजूद हैं। ये मदीने वाले मुस्तफ़ा की मौजूदगी एक 1400 साल पहले नहीं थी, बल्कि कुरान ये अकीदा दे रहा है नबी मौजूद हैं और क़यामत तक रहेंगे। इसलिए सरकार आला हज़रत फरमाते हैं, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। या रसूल्ला, आप नूर हैं, आप नूर हैं, मुझे अल्लाह ने मिट्टी से पैदा किया, आप नूर हैं, मेरी चश्मे आलम, मेरी तो इस दुनिया की आंखें हैं, मेरी इस दुनिया की लोकल मिट्टी से बनी आंखें नूर को कैसे समझ सकती हैं? या रसूल्ला, कमी आपके वजूद में नहीं है, कमी तो मेरी आंखों में है जो आपके नूर को देख नहीं सकती है। सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसा बेमिसाल इश्क किया, ऐसी बेमिसाल मोहब्बत की दास्तानें पेश की कि सुबह क़यामत तक न कोई ऐसी मिसाल पेश कर सकता है और न कभी कर पाएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में चलिए, ख़ुद हुजूर से पूछ लें, या रसूल अल्लाह,
आपकी मोहब्बत के हवाले से फरमाइए, हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए आपसे, हुजूर से पूछ लीजिए। अगर मैं मोहब्बत के बारे में समझाऊं तो आपको गालिबन ये लगेगा कि शायद इन्हें ज़्यादा मोहब्बत है, इसलिए ये मोहब्बत करने के लिए फ़ोर्स कर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो हमारे अपने अजीज़ होते हैं, एक मकूला है, मन अहब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, कि जिस इंसान को जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है वो उसका ज़िक्र ज़्यादा करता है, ये पहचान है। मन अहब शैअन अक्सर ज़िक्रहू, कि जिसको जिससे ज़्यादा मोहब्बत होती है वो उसका ज़िक्र ज़्यादा करता है, वो उसका तज़किरा ज़्यादा करता है। तो अगर आपको किसी से मोहब्बत है, किसी चीज़ से, किसी अल्लाह वाले से, किसी बाबरकत शख्सियत से मोहब्बत है, आप उसका ज़िक्र ज़्यादा करेंगे और आप उस शख्सियत के बारे में अपने दोस्तों से कहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं ये सोचेंगे कि इनके रिलेशन है इसलिए ये ज़्यादा मोहब्बत से तारुफ़ कराते हैं इनकी नस्बत की वजह से। तो दुनिया में अगर कोई इंसान हुजूर की मोहब्बत के बारे में किसी और को बताए, इससे बेहतर है कि मदीने वाले मुस्तफ़ा से पूछ लें, या रसूल अल्लाह मोहब्बत का कॉन्सेप्ट समझा दीजिए हमें, कि मोहब्बत का मतलब क्या है और कितनी मोहब्बत करना चाहिए, कितनी मोहब्बत हम आपसे करें या रसूल अल्लाह, ताकि हमारा ईमान वाला होना साबित हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया, ऐ लोगो इसको सुनिएगा भी और समझिएगा भी, एक हदीस, ये एक लाइन की हदीस है, एक लाइन की, अगर ये हदीस समझ में आ जाए और इस पर अमल हो जाए पूरी लाइफ में सिर्फ इसी एक लाइन की हदीस पर, तो मैं समझता हूँ इस एक हदीस के अमल करने वाले के लिए अल्लाह जन्नत को वाजिब करार दे देगा। हदीस क्या है? या रसूल मोहब्बत के बारे में बताइए, ईमान के बारे में बताइए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही व अन्नास अजमईन। हुजूर ने फरमाया, ऐ लोगों तुम में कोई शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता। क्या कहा हुजूर ने? तुम में कोई शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह कब तक ईमान वाला नहीं हो सकता? हुजूर फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम, तुम में कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता। हुजूर चाहते तो यहाँ ये फरमा सकते थे मेरे आका कि तुम में कोई शख्स उस वक्त तक जन्नत में नहीं जाएगा, ये जुमला भी हो सकता था, लेकिन हुजूर ने जन्नत की नहीं, पहली चीज़ की बात की, सबसे पहले ईमान। ईमान सबसे बड़ी नेमत है, ईमान सबसे बड़ी दौलत है मोमिन के पास। मोमिन गरीब हो, मोहताज हो, परेशान हो, हदीस पाक के अंदर है कि ईमान एक पलड़े में रखा जाए, एक मोमिन का ईमान तराजू के एक पल्ले में रखा जाए और पूरी दुनिया की दौलतें नेमतें एक पल्ले में रखी जाएँ, तो मोमिन का ईमान उन दुनिया की सारी नेमतों पर भारी पड़ जाएगा। ईमान इतनी बड़ी नेमत है, लेकिन आज अफसोस ये है कि हमारी कौम में बहुत ज़्यादा मुखबिर पाए जाते हैं, राह चलते हुए ईमान बेच देते हैं, एक चाय के गिलास में अपना ईमान ख़राब कर लेते हैं, थोड़े से पैसों के लिए अपना ईमान ख़राब कर लेते हैं, थोड़े से ताल्लुकात के लिए अपना ईमान ख़राब कर लेते हैं, उन्हें कोई ज़र्रे के बराबर लिहाज नहीं है कि मेरे पास सबसे बड़ी दौलत मेरा ईमान है। क़यामत के दिन सबसे पहले ईमान देखा जाएगा, ईमान है या नहीं, नमाज़ें हैं, रोज़े हैं, हज है, ज़कात है, मगर ईमान नहीं है तो कोई अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं है। नमाज़ पढ़ने से पहले ईमान की फ़िक्र करो, रोज़ा रखने से पहले ईमान को चेक करो, ईमान सलामत है या नहीं है, ज़कात देने से पहले अपने सीने में टटोल के देखो ईमान की दौलत से भरा हुआ है या खाली है, हज करने से पहले टटोल के देखो कि ईमान मौजूद है या नहीं है, इसलिए कि ये सारे आमाल का दारो मदार ईमान पर डिपेंड है। ईमान अगर सलामत नहीं है तो अल्लाह इन सारे आमाल को मुंह पर मार देगा क़यामत के दिन, चूँकि सबसे पहली चीज़ है ईमान। ईमान के बारे में कहा गया, बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद पर, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है, बुनियाद जानते हैं, जिस पर कोई चीज़ टिकी हो, जिस पर कोई चीज़ रुकी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल ये इमारत है, तो ये इमारत हवा में नहीं रुकी है, एक बुनियाद पर रुकी हुई है,
इसका मतलब क्या हुआ कि अगर वो बुनियाद मौजूद न हो तो ये इमारत कायम नहीं हो सकती। मेरे नबी ने फरमाया बुनियल इस्लाम अला खम्स, इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर है और उन पांच चीज़ों में से पहली चीज़ है ईमान। उन पांच चीज़ों में से पहली चीज़ है ईमान, यानी कि अगर ईमान कमज़ोर है तो समझ लीजिए उसके इस्लाम की बुनियाद टिकेगी नहीं, वो सही माना में ईमान वाला है ही नहीं जिसका ईमान ही नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ला युमिनु अहदुकुम, ए लोगो तुम में कोई शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह कब तक, ये सवाल हमारे जहन में है। हुजूर ने फरमाया कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता, कोई ईमान वाला हो ही नहीं सकता, कोई ईमान वाला नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह ईमान वाला नहीं हो सकता, कब तक? उसका हुजूर ने खुद जवाब दिया, हुजूर ने फरमाया हत्ता, उस वक्त तक। या रसूल अल्लाह कब तक? फरमाया हत्ता, उस वक्त तक अहब इलैह मिन वालिदिही व वलदिही व नास अजमाइन, जब तक कि वो मुझे अपने वालिद से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, इस कायनात की हर चीज़ से ज़्यादा मोहब्बत न करें, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अंदाज़ा लगाइए हुज़ूर ने क्या कहा, औलाद से ज़्यादा, माँ बाप से ज़्यादा, दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे तो वो ईमान वाला है ही नहीं। अब आप ज़रा इस हदीस, ये बुखारी शरीफ है, असहुल कुतुब बादा किताबिल्लाह अल-बुखारी, क़ुरान के बाद सबसे बड़ा मर्तबा इस किताब का हदीस पाक की। इस किताब में लिखा है कि अगर मुझसे ज़्यादा मोहब्बत ना करें सब चीज़ों से तो वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अब ज़रा इस हदीस को समझने की कोशिश कीजिए कि क्या इस हदीस में नमाज का ज़िक्र है, क्या इस हदीस में रोज़े का ज़िक्र है, क्या इस हदीस में ज़कात का ज़िक्र है, क्या इस हदीस में खैरात का ज़िक्र है? इस हदीस में किसी का ज़िक्र नहीं है। यानी दुनिया में कोई इंसान ये नहीं कह सकता कि मैं पांच वक्त का नमाज़ी हूँ तो साहब मैं ईमान वाला हूँ। हुजूर ने ईमान की जो अलामत है वो नमाज नहीं बताई, ईमान को नमाज पर डिपेंड नहीं किया कि कोई आदमी को आप पांच वक्त की नमाज पढ़ता देखो तो उसके ऊपर मोहर लगा दो कि साहब ये ईमान वाला नहीं। नमाज ईमान की अलामत नहीं है, ऐसा नहीं है कि कोई इंसान नमाज पढ़ता है तो साहब वो जन्नती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि आज इस वक्त दुनिया में ऐसे लोग भी नमाज पढ़ने वाले हैं जो एक तरफ पाँच वक्त का सजदा करते हैं और दूसरी तरफ महबूब खुदा की शान में गुस्ताखी करते हैं, ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो माज़ल्ला हुजूर को अपनी तरह बशर कहते हैं, माज़ल्ला हुजूर को मरकर मिट्टी में मिल जाने वाला बोलते हैं, हुजूर की ज़ात के बारे में बोलते हैं नमाज में ख्याल आ जाए तो नमाज नहीं होगी, बैल भैंस गधे का ख्याल आ जाए तो नमाज हो जाएगी, ऐसे लोग भी हैं इस वक्त। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सिर्फ पाँच वक्त की नमाज़ पढ़ते हुए किसी दुनिया के इंसान को देखकर ये नहीं कह सकते कि साहब ये ईमान वाला। ईमान का दारो मदार नबी से पूछे रसूल ईमान वाला इंसान कब होगा, तो हुजूर ने ईमान की अलामत बताई, हुजूर ने फरमाया जब तक कि वो इस कायनात की मौजूदा हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अब यहाँ रुक कर एक छोटी सी बात समझने की ज़रूरत है, जो इंसान इस वक्त अपनी ज़िंदगी को शरीयत के ख़िलाफ़ गुजार रहे हैं ये कैसे दावेदार हो सकते हैं कि हम ईमान वाले हैं? एक मिसाल ले लेते हैं, इंशाल्लाह समझ आ जाएगा आपको एक मिसाल से, वक्त बहुत कम है और बहुत सारा लंबा टॉपिक भी है। मिसाल के तौर पर आज हम बात करते हैं हमारे समाज में मौजूदा जो बुराई है जिस पर बहुत शद्दोमत के साथ अभी हमने और आपने मिलकर पाबंदी लगाई, ढोल बाजे डीजे नाचने और गाने के हवाले से इस्लाम ने और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन सारी खुराफात को नाजायज़ व हराम करार दिया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं दुनिया में पैदा ही इसलिए किया गया हूँ ताकि मैं ढोल बाजों को मिटा दूँ। जहाँ ढोल बाजे डीजे बजाए जाते हैं वहाँ अल्लाह की रहमत नाजिल नहीं होती है, वहाँ शैतान आ जाता है, शैतान खुश होता है। ढोल बाजे डीजे नाचने गाने बिंदोली और निकासी ढोल बाजी के साथ
ये सब नाजायज़ और हराम है, रसूल पाक ने इन सारे नाजायज़ कामों से मना फरमाया है। ये बात बहुत मुख्तसर में अगर आपको समझ में आ गई तो अब आप अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए कि ये चीज़ जानने के बाद भी अगर कोई इंसान अपनी शादी में इस तरह के सारे काम करता है तो क्या कहेंगे हम उसके बारे में। चूँकि मेरे नबी ने फरमाया वो शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता जो सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत ना करे। और मोहब्बत की पहचान है, हम में से हर शख्स कहीं ना कहीं किसी से मोहब्बत करता है, कोई माँ बाप से, कोई दोस्तों से, कोई रिश्तेदारों से, कोई मिलने वालों से, कोई कहीं। दुनिया में बग़ैर मोहब्बत की ज़िंदगी नहीं है, दुनिया में बग़ैर मोहब्बत की ज़िंदगी नहीं है। हर इंसान का दिल कहीं ना कहीं लगा हुआ है, कई माँ बाप से, रिश्तेदारों से, पढ़ाई से, तालीम से, कहीं ना कहीं इंसान को मोहब्बत है। आप अंदाज़ा लगाइए, अगर हम मिसाल सिर्फ इंसानी मोहब्बत की दें तो आप ख़ुद अंदाज़ा लगाइए मोहब्बत के अंदर सबसे पहली सीढ़ी है महबूब के रंग में रंग जाना, यह है मोहब्बत। रंग में रंग जाने को मोहब्बत कहते हैं, रंग में रंग जाने को मोहब्बत कहते हैं, किसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने को मोहब्बत कहते हैं, ऐब होते हुए ऐब नज़र ना आने को मोहब्बत कहते हैं। जहाँ मोहब्बत होगी वहाँ ऐब नज़र नहीं आएंगे, जहाँ दुश्मनी होगी वहाँ हर नेकी ऐब नज़र आएगा। मोहब्बत हमेशा इत्तेबा का तकाजा करती है, मोहब्बत है तो उसकी तरह। ये दुनिया की मिसाल है, हम अगर किसी से मोहब्बत करते हैं तो खाते उसके मुताबिक हैं, कपड़े का हमारे रंग भी उसके मुताबिक ही होता है, हमारी सोच, हमारा सोना जागना, हमारा खाना पीना सब उसके मुताबिक होता है। क्यों? क्योंकि हम जिससे मोहब्बत करते हैं तो महबूब की पसंद की हर चीज़ करना चाहते हैं, ये हमारी मोहब्बत का तकाजा है। अगर ये मिसाल दुनियावी समझ में आ गई तो अंदाज़ा लगाइए कि अगर वाकई इंसान को हुजूर से मोहब्बत होगी तो वो काम कर ही नहीं सकता जिस काम को मेरे नबी ने हराम करार दिया। चूँकि मोहब्बत इत्तेबा का तकाजा करती है, मोहब्बत का ये तकाजा है कि आप महबूब के रंग में रंग जाएं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब की तरह हो जाएं, मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब का मिजाज देखें कि उसका मिजाज कैसा है, मोहब्बत का तकाजा ये है कि महबूब की रज़ा के लिए आप अपने आप को फना कर दें। आपको मालूम है किसी ने मजनू से कहा था कि तूने अपनी जान को लैला की मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, हालांकि हमने देखा है कि लैला में कोई ऐसी खूबसूरती नहीं है जो शहर की दूसरी लड़कियों में न हो। तो मजनू ने कहा था कि लैला के हुस्न को देखने के लिए नज़र मजनू वाली चाहिए, लैला के हुस्न को समझने के लिए नज़र मजनू वाली चाहिए। तो मैं लैला का हुस्न नज़र नहीं आएगा क्योंकि तुम्हारे पास मजनू वाली नज़र मौजूद नहीं है। हम रसूल के ग़ुलाम हैं, हुजूर की मोहब्बत का दावा करते हैं, हमारे नबी इस कायनात में बेमिसाल हैं, नबियों की मुकद्दस जमात में हमारे नबी बेमिसाल, इस कायनात में बेमिसाल, हुस्न यूसुफ़ दम ईसा यदे बेजा दारी आँचे खूबा हमा दारंद तू तन्हा दारी, कि अल्लाह ने जितना कमाल, जितना जमाल, जितनी बुलंदियाँ, जितने मोजज़ात, जितना पावर, जितना इल्म, जितनी तरक्की, जितनी मोहब्बतें, जितनी बुलंदियाँ अल्लाह ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अता फ़रमाइए, उन तमाम को अल्लाह ने एक मोहम्मद में जमा फरमा दिया। हम उस नबी के मानने वाले हैं, जब उस नबी के मानने वाले हैं तो उस नबी की जबान से निकलने वाली एक हदीस को तो अपनी जिंदगी में शामिल कर लें, बस एक हदीस, एक लाइन की एक हदीस, एक हदीस। अगर हम इस एक हदीस पर बात करें तफसील से तो कई महीने गुजर जाएंगे और इस एक हदीस का मतलब पूरा नहीं होगा। एक हदीस, मेरे नबी ने फरमाया तो मैं कोई शख्स ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अंदाज़ा तो लगाइए, हमने अगर एक हफ्ते में दो दिन की नमाज़ पढ़ ली तो हम सीना चौड़ा करके रोड पे चलना शुरू कर देते हैं कि साहब हम तो नमाज़ पढ़ते हैं। हमने गरीब को अगर किसी को कुछ दे दिया तो हमारा सीना चौड़ा हो जाता है, नहीं साहब हम तो हमेशा ज़कात खैरात करते रहते हैं। नहीं, मेरे नबी फरमाते हैं इस कायनात में सबसे ज़्यादा तेरे दिल में अगर मेरी मोहब्बत नहीं है तो फिक्र कर ले मरने से पहले कि तू पक्का ईमान वाला नहीं है।
मरने से पहले फ़िक्र कर ले, मरने से पहले आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। नेमतें बांटता जिस सिमत वो ज़ीशान गया, साथ ही मुंशिये रहमत का कलम दान गया। ले खबर जल्द के गैरों की तरफ ध्यान गया, मेरे आका मेरे मौला तेरे कुर्बान गया। आज तुम पर मेरे आका की इनायत न सही, नजदियो कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। हमारी सारी निस्बतें मदीने वाले मुस्तफ़ा से जुड़ना चाहिए। अगर मोहब्बत हो तो ऐसी मोहब्बत हो कि दुनिया हमारे चलने और फिरने को देखकर ये कह दे कि ग़ुलामे मुस्तफ़ा जा रहा है। आज आलम ये हम में से कितने लोग हैं कि जिनके मरने की दुआएं की जाती हैं हमारे समाज और मुआशरे में, जिनके मरने की दुआएं की जाती हैं हमारे समाज में, उनके गुनाहों की वजह से, उनके जुल्म की वजह से, उनकी बुराइयों की वजह से, उनके गलत कामों की वजह से, लोगों को सताने की वजह से, गरीबों पर जुल्म की वजह से, गरीबों की ज़मीन दबाने की वजह से, उनके लिए बद दुआएँ की जाती हैं कि अल्लाह इन्हें इस दुनिया से उठा ले ताकि ज़माने में थोड़ा सुकून हो जाए। आप अंदाज़ा लगाइए जिनके लिए एक बड़ा समाज बद्दुआ कर रहा हो दुनिया से उठाने के लिए, मरने के बाद उनका अंजाम क्या होगा ये तो हम और आप सब जानते हैं। बंदे तो वो हैं कि जिनका जनाजा जब जाता होता है कब्रिस्तान तो अपने नहीं गैरों की आंखों में देखकर आंसू आ जाते हैं कि आज एक सच्चे ईमानदार का जनाजा जा रहा है। समझ लो जिसको दुनिया के तमाम लोग ईमानदार कह रहे हैं अल्लाह की नज़र में भी वो बख्शा हुआ है, अल्लाह की नज़र में भी वो जन्नती है। मेरे नबी की हदीस है, हुज़ूर ने फरमाया जिसको ज़्यादा लोग समाज के इलाके के मुआशरे के मरने के बाद जिसको ज़्यादा लोग अच्छा कहते हैं वो अल्लाह के नज़दीक भी अच्छा है। जिसको ज़्यादा लोग अच्छा कहते हैं आप अंदाज़ा तो लगाइए हमें कौन अच्छा कह रहा है। हमारे उलमा इकराम ऐसा नहीं है कि शरीयत के मसाइल नहीं बयान कर रहे हैं। हम में से हर शख्स जानता है ढोल बजाना गलत है, हम जानते हैं डीजे बजाना गलत है, हम जानते हैं नाचना गाना गलत है, ज़रा महसूस तो कीजिए। इस्लाम और क़ुरान के ख़िलाफ़ कोई ज़बान खोल दे चाहे वो हुजूर की शान में गुस्ताखी करने वाला हिंदुस्तान में सबसे बड़ा आतंकवादी नरसिंहा नंद हो या क़ुरान के ख़िलाफ़ ज़बान खोलने वाला बहुत बड़ा मक्कार वसीम रजवी जैसा एक नालायक इंसान हो, उसने क़ुरान की शान में गुस्ताखी की, नतीजा क्या हुआ हमारी और आपकी निगाहों के सामने है। हमें दुख हुआ, हमें तकलीफ़ हुई कि उसने क़ुरान के बारे में बोला, क़ुरान की तौहीन हुई। लेकिन ये बात मैं आपसे भी तो पूछना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं ये तौहीन हमसे भी तो होती है। क़ुरान जैसी अजीम किताब हमारे घर में रूम में मौजूद है, फिर हम वहाँ डांस पार्टी शादी के मौके पर कैसे कर सकते हैं? तौहीन ये भी है, हमारे घर में कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद है और हमारे घर के दरवाज़े पर या घर के अंदर हमारी माँ और बहनें ढोल बजा के एक हफ़्ते पहले से नाचने का बाजार गर्म कर लेती हैं, तौहीन ये भी है कुरान की कि जिस घर में अल्लाह की कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद हो, जहाँ 30 पारे मौजूद हों, जहाँ कुरान जैसी अजीम वो किताब मौजूद हो जो शिफा के लिए पढ़ी जाती है, मुर्दे के करीब पढ़ी जाती है अल्लाह उसकी मगफरत कर देता है, बीमारों के करीब पढ़ी जाती है अल्लाह शिफा दे देता है, उसको पढ़ के दम किया जाता है, मरते हुए इंसानों की अल्लाह उम्र में इजाफा कर देता है। वो कुरान जैसी अजीम किताब जिसको अल्लाह ने अपने महबूब पर 23 साल के ज़माने में नाजिल फरमाया, वो कुरान जैसी अजीम किताब कि जिसको हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने दौरे खिलाफत में पूरे सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात ने हर मुमकिन कोशिश करके उसको एक जगह जमा किया, वो कुरान जैसी अजीम किताब कि हज़रत फ़ारूक़ आज़म के मशवरे के बाद, फ़ारूक़ आज़म के दौर के बाद उस्मान गनी ने पूरी तैयारी के साथ एक जगह कुरान को एक किरात पर जमा फरमाया, वो अजीम कुरान अजीम जैसी अजीम किताब कि जिसको तीनों दौर में चाहे वो दौरे रिसालत हो या दौरे सिद्दीक़ अकबर हो या दौरे उस्मान गनी हो, तीनों ज़मानों में हज़रत ज़ैद बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे जलीलुल क़द्र सहाबी ने अपनी क़ुरबानियाँ पेश की हैं उस अजीम किताब के लिए, वो अजीम किताब के जिसके लिए सहाबा इकराम ने जान की कुर्बानी दी,
वो अजीम किताब की जिसकी हिफाजत के लिए सहाबा इकराम ने अपनी औलाद को कुर्बान कराया जंगों के अंदर, बड़ी आसानी के साथ वो किताब हमें मिल गई। और आज आलम यह है, हमारे रूम में, हमारे घर में कुरान जुजदान में लपेट कर बंद करके रख दिया जाता है। और इससे ज़्यादा बड़ी बदनसीबी की बात आपको बताऊं कि कई जगह उलमाए किराम ने फैमिली को समझाया कि तुम्हारे घर में कुरान मौजूद है लिहाजा तुम गलत काम मत करो अपनी शादी के मौके पर। तो उन्होंने कहा अगर घर में कुरान मौजूद है, कुरान की मौजूदगी में हम गलत काम नहीं कर सकते, तो लिहाजा एक काम ऐसा करते हैं कि हम शादी से पहले कुरान अपने घर से बाहर निकाल देते हैं। अल्लाहु अकबर। ज़रा अंदाज़ा लगाइए उनके ईमान के बारे में। हम कुरान घर से बाहर निकाल के मोहल्ले में किसी के घर रखवा देते हैं 15 दिन के लिए, जब हमारी शादी हो जाएगी ढोल बजा लेंगे, डीजे बजा लेंगे, नाच गाना मुकम्मल हो जाएगा, उसके बाद बुला के रख लेंगे कुरान। आप अंदाज़ा लगाइए जिनका जिनका लहजा, जिनकी बातें, जिनका अंदाज़ यहाँ तक पहुँच गया हो, उनके बारे में ये कैसे सोचा जा सकता है कि उनका ईमान सलामत है? कैसे उनके बारे में कहा जा सकता है कि ये लोग ईमान वाले हैं, ईमान फैलाने वाले हैं, हुजूर के नाम पर ये जान दे देंगे? हुजूर के नाम पर जान देने वाले ऐसे लोग नहीं होते हैं। हुजूर के नाम पर जान देने वालों का मिजाज ये होता है, या रसूल अल्लाह नबी का हुक्म हो तो कूद जाएं हम समंदर में जहाँ को महव कर दें नारे अल्लाहु अकबर से। हुजूर के नाम पर जान देने वालों का मिजाज ये होता है कि दश्त तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हमने। ये मिजाज होता है सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात का। सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब मौजूद होते थे, किसी भी जंग का मौका आता तो कहते या रसूल्ला आप हमारी तरफ मत देखिए, हम कमज़ोर हैं, निहत्ते हैं, तलवारें नहीं हैं, खाना नहीं है, घर नहीं है हमारे पास, मगर या रसूल्ला आप मुतमईन हो के फ़ैसला सुनाइए, जंग करना है, हम अपनी आखिरी सांस तक लड़ेंगे। और या रसूल अल्लाह जब हमारी रूह निकलती होगी तो हम अपने जिस्म को घसीट कर आपके कदमों में डाल देंगे कि या रसूल अल्लाह रूह निकलती हो तो जान आपके कदमों में निकले। या रसूल अल्लाह ये हमारी ग़ुलामी है, ये हमारी मोहब्बत है, ये हमारी किस्मत है जो अल्लाह ने हमें आपकी निस्बत अता फरमाई है। या रसूल अल्लाह आप सोचिए मत, आप फैसला फरमाइए करना क्या है। अगर जंग करना है तो या रसूल अल्लाह ऐलान फरमाइए हम अपनी आखिरी सांस तक इस्लाम की बुलंदी के लिए लड़ेंगे, जान दे देंगे, ज़मीन दे देंगे, पैसे दे देंगे, बागात दे देंगे, सब कुछ दे देंगे, मगर इस्लाम के झंडे को गिरने नहीं देंगे। ये मिजाज था इस्लाम का, ये मिजाज था पैगंबर के शहदाइयों का, ये मिजाज था मोहब्बत करने वाली एक मुकद्दस जमात का जिनको सुबह क़यामत तक पूरी दुनिया सलाम पेश करेगी। या रसूल हम जान दे देंगे, ये मोहब्बत करने वाले लोग थे। एक सहाबी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए, उन्होंने अपनी उंगली में हुजूर की ग़ुलामी क्या, देखिए और ईमान क्या चीज़ है, हम तो खाली नमाज़ पढ़ के अपने आप को ईमान वाला तसव्वुर करते हैं, कुर्ता पजामा और टोपी लगाने के बाद ईमान वाला समझ लेते हैं, ये सारी चीज़ें ईमान वाला होने के लिए काफ़ी नहीं है। ईमान का ताल्लुक जो है ना दिल से है, कि दिल अगर मदीने वाले मुस्तफ़ा से कनेक्शन जुड़ा हुआ है तो आप ईमान वाले हैं। अल्लाह टोपी को देखते ही नहीं है, अल्लाह लिबास को देखते ही नहीं है, अल्लाह सिर्फ़ दिल की नस्बत को देखता है कि मदीने से लौ लगी है या लगी नहीं है। किसी ने कहा था ना, ये नाज ये अंदाज़ हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते। निस्बत है, ये निस्बत है, वो निस्बत ही तो थी। ज़रा इस निस्बत पे तो गौर कीजिए, हम कितने खुश नसीब हैं। ये निस्बत ही तो है कि जिसने अफ्रीका के रहने वाले, हबशा के रहने वाले काले बिलाल को मस्जिद नबवी का मुअज़्ज़िन बना दिया। ये निस्बत ही तो है, बड़े बड़े मालदार सहाबाए किराम हज़ारों लाख लाखों दिरहमों दीनार इस्लाम की कुर्बानी के लिए पेश करने वाले मौजूद हैं, मगर दिल की तड़प, जब दिल की तड़प मेरे नबी ने बिलाल की मुलाहजा फरमाई तो कहा बिलाल अजान देंगे। ये निस्बती थी कि बिलाल को इतना बड़ा मनसब मिला, ये निस्बती थी कि बिलाल को नमाज में हुजूर के बिल्कुल पीछे खड़े होने का मौका मिलता, ये निस्बती थी, ये निस्बती थी, ये निस्बती थी कि खाने काबा की छत पर जब चढ़ने का मौका आया तो मेरे नबी ने बिलाल से कहा बिलाल तू चढ़ जा, ताकि दुनिया देख ले नबी की बारगाह में दौलत नहीं, नबी की बारगाह में दिल देखे जाते हैं।
बेचैनी देखी जाती है, बेकरारी देखी जाती है, नस्बत देखी जाती है, मोहब्बत देखी जाती है, ग़ुलामी का जज्बा देखा जाता है। फ़ना कर दो, फ़ना अपने आप को मोहब्बत रसूल में फ़ना कर दो, इसलिए कि जो फ़ना फिल्ला हो जाता है अल्लाह उसी को बाकी बिल्ला बनाता है। जिन्होंने अपने आप को फ़ना कर दिया वो आज बाकी है, चाहे वो ज़ात गरीब नवाज की हो या महबूब इलाही की हो, जिन्होंने इश्क मुस्तफ़ा में अपने आप को फ़ना कर दिया। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत देखिए आप, वो आए हुजूर की बारगाह में बैठे हैं, पैगंबर आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह उनकी उंगली पे पड़ गई। हुजूर की ग़ुलामी देखिए आप, हम पूरी ज़िंदगी में, हालांकि हमें मौत का पता नहीं है, आगाह अपनी मौत से कोई बशर नहीं, सामान 100 बरस का है, पल की खबर नहीं, ये वाली ज़िंदगी हम गुजार रहे हैं। ऐसी सिचुएशन में हम एक गुनाह नहीं छोड़ पा रहे, एक गुनाह, बस एक गुनाह। मोहब्बत रसूल के हम दावेदार हैं लेकिन एक गुनाह नहीं छोड़ पा रहे अपनी ज़िंदगी से। हुजूर की नज़र पड़ी, सहाबी हैं, नए मुसलमान हैं, शरीयत के बहुत सारे मसाइल से अभी वाकिफियत नहीं रखते, नए नए मुसलमान हैं, हल्के हल्के दीन सीख रहे हैं, उंगली में सोने की अंगूठी मसला नहीं जानते थे, पहन के आ गए हुजूर की बारगाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, एक हदीस में कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उंगली पकड़ के उतार कर फेंक दिया, और दूसरी हदीस में है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या बात है कि जहन्नम की आग को अपने हाथ में लिए घूमते हो। हुजूर ने फरमाया, चंद लम्हात के बाद महफिल मुकम्मल हुई, हुजूर हुजरे आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा में उठकर तशरीफ़ ले गए, लोग भी जाने लगे, वो शख्स भी जाने लगा, उसने अंगूठी को नहीं उठाया। साहबा इकराम ने कहा, तुम्हारी अंगूठी गिरी हुई है ज़मीन पर, इसे उठा लो, ले जाओ, कहीं ना कहीं किसी और काम में आ जाएगी। उसने कहा, अल्लाह की ज़ात की कसम, जिसने मुझे पैदा किया है, इसको उठाना तो बड़ी बात है, अब इसे देखना भी गवारा नहीं है, चूँकि मेरे नबी को पसंद नहीं है, इसको उठाना तो बड़ी बात है, ज़रा अंदाज़ा लगाइए इसे, एक हदीस में अंदाज़ा तो लगाइए, ईमान किस चीज़ का नाम है, ईमान किस चीज़ का नाम है, एक चीज़ पे अंदाज़ा तो लगाइए। कहा, यार मुझे इसको उठाना तो बड़ी बात है, देखना भी गवारा नहीं है, क्यों? क्योंकि जिस चीज़ को मेरे नबी ने नापसंद फरमा दिया तो मेरी मोहब्बत तो यही है कि मैं उसे अब क़यामत तक देखूँ भी नहीं। जो मेरे महबूब को पसंद नहीं है वो मुझे कैसे पसंद हो सकता है, जो मेरे आका को पसंद नहीं है मैं उसे कैसे पसंद करता हूँ, उठा ही नहीं। यह है मोहब्बत, हमें एक बुरी चीज़ उन्होंने वहीं की वहीं उतार कर फेंक दी उसी वक्त। आज हम जान रहे हैं, हम जो गलत काम कर रहे हैं वो चीज़ें हम जानते हैं। हमारा नौजवान तबका आज मंगनी के बाद, एंगेजमेंट के बाद, शादी 2 साल के बाद है, 2 साल तक रातों रात फ़ोन पर उस लड़की से फ़ोन पर बातें करते रहते हैं जिनसे शादी होने वाली है। वो जानते हैं गलत है, वो जानते हैं नाजायज़ है, वो जानते हैं ये हराम है, वो जानते हैं ये जिना का एक हिस्सा है, लेकिन जानते हुए मना करने के बाद, शरीयत का मसला सुनने के बावजूद भी इस गुनाह से आमादा रहने के लिए तैयार, एक गुनाह छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, एक गुनाह छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उसके बाद जुलूस के मौके पर सरकार के दामन न छोड़ने का नारा लगाना, फिर तो ये हमारा नारा झूठा है, ये हमारा नारा झूठा है, ये मोहब्बत हमारी दिखावे की है, चूँकि इस्लाम अमल की बात करता है, इस्लाम में दिखावे की अहमियत ही नहीं है, दिखावे की कोई जगह नहीं है। मेरे नबी ने फरमाया, दिखावा हराम है, अल्लाह और रसूल दिखावे वाले अमल को, दिखावे वाली ज़कात को, दिखावे वाली खैरात को कबूल ही नहीं करते हैं। जिसमें दिखावा हो, जिसमें रियाकारी हो, वो अमल अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होता है कि जो अमल सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए हो। हमें एक गुनाह छोड़ने के लिए राज़ी नहीं है, जिना का एक हिस्सा ये रातों रात बात करना, या कुछ हमारे ऐसे मुसलमान भी हैं शादी होने के बावजूद भी आज तक उनके रिलेशन कहीं और जुड़े हुए हैं, घर में बीवी मौजूद है उसके बावजूद भी इस गलत काम में शामिल है। याद रखिए, बस एक जुमला कहूँगा आपको, याद रखिए कि जिना एक कर्ज है, इस्लाम का ऐलान यही है, जिना एक कर्ज है, और याद रखिए कर्ज चुकाना पड़ता है। गौर कर लीजिए इस जुमले पर, इस जुमले को बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि जिना एक कर्ज है, कर्ज
हमें से कोई शख्स क्या ये बात पसंद करता है कि हमारे घर में मौजूद हमारी जवान बहन से बाहर का कोई लड़का फ़ोन पर बात करना शुरू कर दे? हमें से कोई भाई बर्दाश्त कर सकता है? नहीं बर्दाश्त कर सकते। तो आप ज़रा ख़ुद अंदाज़ा लगाइए कि हम अगर किसी की बहन से फ़ोन पर बात करें तो फिर ये कैसा है? ज़िना का एक हिस्सा है ये। और ज़िना के बारे में कहा गया, ज़िना एक कर्ज़ है, ये चुकाना पड़ता है ज़िंदगी में, दुनिया ही में इसका बदला मिलता है। इसलिए हर इंसान की ज़िम्मेदारी है कि वो रसूल के ग़ुलाम होने का सबूत दे, इन गुनाहों से तौबा करे। हुज़ूर ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम, ऐ लोगों तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता। हमारी बात यहीं पर चल रही थी कि तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला हो ही नहीं सकता। या रसूल अल्लाह कब तक? फरमाया उस वक्त तक जबकि वो माँ बाप से, औलाद से, पूरी दुनिया की हर चीज़ से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करे, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। अब अगर इस हदीस को हमने समझ लिया तो फिर तो बहुत सारे ऐसे लोग हमारी निगाहों के सामने के जो हम शक में पड़ जाते हैं कि इनके बारे में क्या सोचें। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग हमारे सामने, हम चक्कर में पड़ जाते हैं कि इनके बारे में क्या सोचें, इनके अमल को देखकर, इनकी ज़िंदगी के कर्ज़ को देखकर, इनके सोने और जागने के अंदाज़ को देखकर। हुज़ूर ने फरमाया जिसको सबसे ज़्यादा मुझसे मोहब्बत होगी वही ईमान वाला है। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जिसको हुज़ूर से मोहब्बत है वो फज्र की नमाज़ में बिस्तर पर सोएगा नहीं बल्कि वो उठ के मस्जिद में आ जाएगा। क्यों? चूँकि ये मेरे ईमान का मामला है। जिसको हुज़ूर से मोहब्बत होगी वो गीबत नहीं करेगा, वो बुराई नहीं करेगा, वो जिना नहीं करेगा, वो शराब नहीं पिएगा, वो जुआ नहीं खेलेगा, वो किसी की ज़मीन नहीं दबाएगा, गरीबों पे जुल्म नहीं करेगा, यतीमों को नहीं सताएगा, बेवाओं को रुसवा नहीं करेगा, बेइज्जत नहीं करेगा, मस्जिदों की इज्जत को पामाल नहीं करेगा, किसी पर जुल्म नहीं करेगा, दो भाइयों को लड़ाने की कोशिश नहीं करेगा, बाप बेटे में दुश्मनी पैदा नहीं कराएगा, इन तमाम गुनाहों से वो तौबा करेगा। चूँकि वो जानता है ईमान का मतलब क्या है। ईमान का मतलब क्या है? या रसूल अल्लाह, जो आपको पसंद नहीं है वो हमें पसंद नहीं है, यही है ईमान। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ऐ लोगों तुम में कोई शख्स उस वक्त तक ईमान वाला नहीं हो सकता। हुजूर ने तो मोहब्बत का मिजाज हमें और आपको दे दिया। अब सहाबा इकराम की ज़िंदगी में देखिए कि सहाबा इकराम कैसी मोहब्बत फरमाते थे। एक दौर था, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाई, हिजरत के बाद हुजूर मदीना शरीफ चले गए। एक ज़माना गुज़रने के बाद हुआ यूँ कि सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमात को लेकर अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मक्के की तरफ सफ़र करने का इरादा फरमाया उम्रा की नीयत से। हुजूर तशरीफ़ लाए मगर हुजूर को वहीं रोक दिया गया, हुदैबिया के मकाम पर, मक्के से बाहरी इलाके में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक दिया गया। चूँकि इन मक्के वालों के जहन में ये था कि हुजूर लड़ने आए हैं, अब लोग हुजूर के साथ हो गए हैं, बहुत सारे लोगों को हुजूर ने दीन की दावत दी, लोग कलमा पढ़ चुके हैं, तो एक बड़ी जमात हुजूर के साथ हो गई है, लिहाजा वो लोग लड़ने आए हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हम लड़ने के लिए नहीं आए हैं बल्कि हम उमरा करने के लिए आए हैं। मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इजाज़त नहीं मिली। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्ना लम नजी लिक़िताल उहद वलाकिन्ना जिना मुतमरीना। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं हम उम्रे की नियत से आए हैं, तुमसे लड़ने के लिए नहीं आए। हज़रत उस्मान गनी भी इस मौके पर साथ में, हज़रत उस्मान गनी को मक्के में भेजा, कहा उस्मान तुम जाओ। हज़रत उस्मान गनी बहुत बड़े ताजिर थे, तिजारत करते थे और मक्के के बहुत सारे लोग उनके कारोबार में शामिल थे, उनके यहाँ मजदूरी किया करते थे। हज़रत उस्मान गनी बड़े गरीबों की मदद फरमाते थे, मतलब बड़ा अहम उनकी अपनी कौम में मकाम था उनका, लोग मुअज़्ज़ज़ और मोतबर इंसान समझते थे, उनकी इज़्ज़त करते थे, उनकी बात रखते थे, उनकी बात मानी जाती थी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा, कहा जाओ हालात पता करो और उनको कन्वेंस करो, उनको मुतमईन करो कि हम लड़ने नहीं आए, हम सिर्फ उम्रा करने आए। हज़रत उस्मान गनी चले गए। हज़रत उस्मान गनी के जाने के बाद थोड़ा सा वक्त ज़्यादा लग गया वापस आने में। एक तरफ तो ख़बर ये आम हुई कि हज़रत उस्मान गनी को शहीद कर दिया,
दूसरी तरफ हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कुछ सहाबा इकराम ये सोचने लगे कि उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हो के मज़े हैं कि वो खाने काबा के यहाँ चले गए हैं, लिहाजा अब हमें जाने का मौका मिले या ना मिले वो तो काबे का तवाफ़ कमरे करके उम्रा करके ही वापस आएंगे। ये कुछ लोगों के जहन में ख़याल आ गया। लेकिन जब हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु बात करने के बाद वापस आए और सहाबा इकराम ने जो उनके ख़याल में था उसे ज़ाहिर किया कि हमें लगने लगा था कि तुम तो उम्रा करके वापस आओगे, तो हज़रत उस्मान गनी रदी अल्लाहु अन्हु ने मोहब्बत के साथ जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया, अल्लाह की ज़ात की कसम, ये कैसे मुमकिन है कि उस्मान मदीने वाले मुस्तफ़ा को छोड़कर काबे का तवाफ़ कर ले? यह है मोहब्बत। ये कैसे मुमकिन है? मैं काबे में जा सकता हूँ, सफ़ा व मरवा पे जा सकता हूँ, अरफात के मैदान में जा सकता हूँ, मिना और मुजदलफ़ा में हाज़िरी दे सकता हूँ, मगर कोई भी अरकान अदा नहीं करूँगा जब तक कि मेरे आका अरकान अदा ना कर लें। तुमने कैसे सोच लिया कि मैं हुजूर को छोड़कर काबे का तवाफ़ कर लूँगा? मेरे नज़दीक मेरे आका का मकाम खाने काबा से अफजल है। मेरे नज़दीक मेरे आका का मकाम खाने काबा, जो एक इमारत है, अल्लाह का घर जिसको कहा गया, मेरे नज़दीक खाने काबा से अफजल है मेरे नबी की ज़ात, चूँकि खाने काबा को इज़्ज़त मेरे नबी से मिली है। खाने काबा को इज़्ज़त मेरे नबी ने दी है। जब तक मेरे नबी नहीं आए थे 360 बुत रखे थे खाने काबा में, कोई इज़्ज़त की निगाह से इस काबे को देखने वाला नहीं था। ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है कि अल्लाह ने काबे को क़यामत तक के लिए इज़्ज़त बना दी है, इज़्ज़त वाला बनाया है। ये मुस्तफ़ा के कदमों की बरकत है कि मेरे नबी ने एक बार इधर मुँह करके जो नमाज़ शुरू की है तो क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए इसको क़िबला बना दिया गया मुसलमानों का। ये कैसे मुमकिन है कि मैं अपने आका को छोड़कर काबे का तवाफ़ कर लूँ? मैंने काबे का तवाफ़ नहीं किया जब तक कि मेरे आका तवाफ़ ना कर लें। यही उस्मान गनी है। इनकी मोहब्बत देखिए और ज़रा आज के बारे में अंदाज़ा लगाइए। आज दुनिया में कोई मुख्तदी अपने इमाम के लिए, कोई मोहब्बत रखने वाला किसी आलिम के लिए, कोई मुरीद अपने पीर के लिए ऐसा कर सकता है कि उसके पीर को काबे से बाहर रोक दिया जाए और मुरीद को अंदर मौका दिया जाए? उस वक्त में वो सारी नस्बतें भूल जाएगा क्योंकि उसके सामने खाने काबा होगा, काबे की बहारें होंगी। लेकिन ये सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात है कि जिन्होंने पूरी दुनिया को मोहब्बत करना सिखाया है कि मोहब्बत कहते किस चीज़ को हैं। आज तो लोग दुनिया में मोहब्बत करना जानते ही नहीं हैं। शोर सबसे ज़्यादा आज ही है मोहब्बत का, सबसे ज़्यादा शोर है आज के दौर में मोहब्बत का। हर इंसान की ज़बान पर मोहब्बत के तराने, हर इंसान की ज़बान पर मोहब्बत के नगमे, सबसे ज़्यादा शोर है आज मोहब्बत का। लेकिन सही बात यह है कि आज के दौर में लोग मोहब्बत जानते नहीं हैं। सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात हैं जिनका मिजाज आप देख लो, खाने काबा सामने, ए खाने काबा मैं मानता हूँ तू अल्लाह का घर है, मैं मानता हूँ तुझे हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह ने तामीर किया है, मैं मानता हूँ हज़रत इस्माईल ज़बीहुल्लाह ने तेरे लिए उठा के गारा और पत्थर दिए, मैं मानता हूँ कि मीज़ाब रहमत तेरे पास है, मैं मानता हूँ कि फ़रिश्ते तेरा तवाफ़ करते हैं, सारी अजमतें हैं, मगर ए खाने काबा मैं उस वक्त तक तेरा चक्कर नहीं लगाऊँगा जब तक कि मेरे महबूब तेरा चक्कर ना लगा लें। ए खाने काबा मैं उस वक्त तक तेरा चक्कर नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे आका तेरा चक्कर ना लगाएं। ए सफ़ा व मरवा की मुकद्दस पहाड़ियों, मैं मानता हूँ तुम बाज़मत हो, तुम अज़मत वाली हो, तुम्हारे ऊपर हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की वालदा ने चक्कर लगाया है, उनके मुबारक कदम तुम पर पड़े हैं, तुम अज़मत वाली हो, तुम्हारी अज़मत मुसल्लम है, तुम्हारी अज़मत मेरे दिल में है, मगर तुम्हारे ऊपर दौड़ तभी लगाऊँगा जबकि मदीने वाले मुस्तफ़ा तुम पर आके कदम रख देंगे। ये मिजाज था मोहब्बत का, ये मिजाज था मोहब्बत का, ये थी मोहब्बत सहाबा इकराम की। आज आप देख लीजिए कितनी लड़ाइयाँ होती हैं हमारे समाज में। बाप और माँ नाराज़ हैं लेकिन शादीशुदा बेटा माँ बाप को छोड़कर शादी में शिरकत कर लेता है, ऐसा है या नहीं है? माँ बाप शादी में नहीं जा रहे हैं, उस्ताद शादी में नहीं जा रहा है, शागिर्द जाके शिरकत कर लेता है, पीर किसी शादी में किसी गलत और नाजायज़ काम की वजह से नहीं जा रहा है लेकिन मुरीद शिरकत कर लेता है और उसके बाद मोहब्बत का दावेदार है। हुजूर के ग़ुलामों की मोहब्बत देखिए,
उन्होंने खाने काबा का तवाफ नहीं किया, काबे का तवाफ नहीं किया, खाने काबा इतना लंबा महीनों का सफ़र करके आए हैं, महीनों का सफ़र करके आए हैं, सफ़र की दिक्कत और परेशानी को बर्दाश्त करके आए हैं, गर्मी का मौसम है, चटियल मैदान है, अरब का इलाका है, प्यासे हैं, खाना और पानी इतना लंबा, ज़्यादा साजो सामान साथ में नहीं है, मगर आलम क्या है, खाने काबा परेशानी कितनी भी आ जाए तेरा चक्कर तभी लगाऊँगा जबकि मेरे आका तेरा चक्कर लगा लेंगे। ऐ हजरे असबत तुझे बोसा नहीं दूँगा, ए हजरे असबत तू कितनी ही टिक टिकी बांध कर निगाहों से मेरी तरफ देखता रहे मगर उस्मान के लब तुझे चूमेंगे नहीं जब तक कि मेरे आका तुझे बोसा न दे दें। हज़रत उस्मान गनी की मोहब्बत देखिए, यही उस्मान गनी है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक बार हाज़िर हुए, या रसूलल्लाह मेरे यहाँ दावत कबूल फरमा लें। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत प्यारी सुन्नत है दावत को कबूल फरमाना। हुज़ूर ने दावत को कबूल फरमाया, जब दावत में जाने का मौका आ गया तो यही उस्मान गनी रज़ी अल्लाहु अन्हु हुज़ूर के पीछे पीछे चलते हैं। पीछे चलने का जो कॉन्सेप्ट है ये भी बड़ा बाबरकत है, ये अदब भी सहाबा इकराम ने सिखाया क़यामत तक के आने वाले मुसलमानों के लिए कि आपको वालिदैन के पीछे चलना है, आगे नहीं चलना है, ये बेअदबी है। आलिमों के पीछे चलना है, आगे नहीं चलना है, बेअदबी है। पीर व मुर्शिद के पीछे चलना है, आगे नहीं चलना है, ये बेअदबी है। ये अदब भी सहाबा इकराम ने सिखाया। उलमा से बात करनी है हल्की आवाज़ में, पीर व मुर्शिद से बात करनी है हल्के अंदाज में, कोई ऐसा जुमला उनके सामने नहीं बोलना है जो उनको बुरा लग जाए या उनके दिल को तकलीफ़ हो जाए, ये गुस्ताखी है। ये हमें सहाबा इकराम ने सिखाया, वो हदीस भी मौजूद है, इंशाल्लाह पढ़ के सुनाऊँगा अभी। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु पीछे पीछे चल रहे हैं और अंदाज़ ये है मोहब्बत का कि हुज़ूर के कदम गिन रहे हैं कि मेरे घर तक पहुँचने में कितने कदम हो गए। हुज़ूर कदम रखते हैं तो हज़रत उस्मान गनी उस कदम को गिनते हैं, एक दो तीन साल गिनते जा रहे हैं। जब दरवाज़े के करीब पहुँचे मेरे आका, हज़रत उस्मान गनी के इस अमल को देखा, मेरे आका मुस्कुराए सुभान अल्लाह, और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उस्मान कदम क्यों गिन रहे हो? ये कदम गिनने वाली बात समझ में नहीं आई। कहा या रसूलल्लाह सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ़ लाते हैं, मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह आज इस वक्त दुनिया में मुझसे ज़्यादा खुशकिस्मत इंसान कौन हो सकता है कि जिसके घर पे वजह तख्लीक़े कायनात आ जाए, कि जिनके सदक़े में अल्लाह ने इस पूरी कायनात को पैदा फरमाया है, जिनके सदक़े में अल्लाह ने जन्नत को जहन्नम को दुनिया को कायनात को ज़मीन को आसमान को चाँद को सूरज को हवाओं को फ़िज़ाओं को दरियाओं को बहरोबर खुश्को तर पूरी कायनात के हर जर्रे को जिस पैगंबर के सदक़े में पैदा फरमाया, आज मैं कितना खुश नसीब हूँ मेरे छोटे से घर में कायनात का इमाम आ जाए, मुझसे ज़्यादा खुशकस्मत इंसान कौन हो सकता है? या रसूलल्लाह मैंने आपके वहाँ से लेके यहाँ तक कदम इसलिए गिने क्योंकि मेरी खुशकस्मती का मौका है, मैं आपके हर कदम के बदले में एक ग़ुलाम को आज़ाद करूँगा। या रसूलल्लाह मेरी किस्मत का सितारा आज बुलंद है, मेरी जो है ग़ुलामी का मामला ये है कि आज मैं बहुत खुश हूँ आपके हर कदम के। ये मोहब्बत थी सहाबा इकराम की, या रसूलल्लाह आपके हर कदम के बदले में बतौर सदका बतौर खैरात एक ग़ुलाम को आज़ाद करूँगा। ये सहाबा इकराम की मुक़द्दस जमाती। तो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु वापस तशरीफ़ लाए। कुरैश को जब ये बात बता दी गई, गालिबन ये बात आपके जहन में होगी कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुलह हुदैबिया के मौके पर जब उम्रा के लिए आए रोक दिया गया, हज़रत उस्मान गनी गए वापस आ गए, ख़बर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए हुज़ूर ने पहुँचाई, फरमाया कि उनसे कहो कि हम उम्रा करने के लिए आएँ, हम लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आएँ, या हमसे बात कर लो, मुआहिदा कर लो, सुलह कर लो। इन्हीं कुरैश के लोगों में एक शख्स थे उरवा इब्ने मसूद सकफ़ी, अरब की सरज़मीन पर ये बहुत फसीह व बलीग ख़तीब थे, मुकर्रर थे, तकरीर करने वाले अपनी ज़बान में अरबी में, अरब की सरज़मीन पर ख़तीबुल अरब थे, ये अरब के ख़तीब, बहुत चर्व ज़बान थे, बोलने में बड़ी महारत रखती, लोग इन्हें इतनी आसानी से फंसा नहीं सकते थे, बड़ी महारत रखती थी मुकाबले और मुजादले के अंदर। इन्होंने आकर कबीले कुरैश से कहा
कि मोहम्मद की बात सही मालूम होती है। अगर वो मुआहदा करना चाहते हैं तो बेहतर है कि लड़ाई ख़त्म हो जाए, लड़ाई में हमारा और उन दोनों का नुकसान है, लिहाजा मिलकर एक बार बात कर लेते हैं। अगर तुम सब की इजाज़त हो और तुम सारे लोग मेरे ऊपर भरोसा करते हो तो मैं चला जाऊँ। हदीस पाक में है, फ़काल उरवा इब्ने मसूद फ़काल ए कौमिन अलस्तु बिलवालिद कालू बला काला अवलस्तुम बिलवलद कालू बला काला फ़हल तत्तहिमूनी कालूला काला अलस्तुम तअलमून अन्नी इस्तनफ़रतु अहला उकादिन फलम्मा बलज्जु अलैय जिअतुकुम बिअहली ववलदी वमन अताअनी कालू बला काला फ़इन्न क़द अरदा लकुम खुत्तता रुश्दिन क़बिलूहा वदउनी आतिही कालू एतिही फ़अताहू फ़जअला युकल्लिमुन नबिय्य सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब वहाँ मीटिंग हो रही थी कुरैश की, तो उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि या तो मुझे आप जाने दीजिए, मैं आपके बच्चों की तरह हूँ, बुज़ुर्ग मुझसे शफ़क़त करते हैं, आप में से बहुत सारे लोग मेरे बेटों की तरह हैं, मैंने हमेशा आपका जो है ख्याल रखा है, सारी बातें आप मेरे ऊपर भरोसा करते हो, तो मुझे भरोसा अगर मेरे ऊपर है तो मुझे जाके बात करने दो, आप सबने मशवरा के बात करने में कोई हर्ज नहीं। तो अब सुनने वाली बात यह है कि जब ये पहुँचे वहाँ पर हुज़ूर से बात करने के लिए, वहाँ इन्होंने हुजूर की मोहब्बत जो सहाबा इकराम हुजूर से करते थे उसके बारे में क्या देखा। जब ये गए तो हदीस में है, तुम्मा इन उरवा जाला यरमुकु असहाब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिआइनैहि, कि उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी जब ये वहाँ पहुँचा शख्स, तो इसने देखा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सहाबा इकराम हैं उनका अंदाज़ क्या, हुजूर के साथ देखा, देखता है मा तनख़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुखामतन इल्ला वक़अत फ़ी कफ़ रजुल मिन्हुम फ़दलक बिहा वजहहु व जिल्दहु। ये वाली जो लाइन है, काश के अगर आप इसका मतलब समझते तो आपकी रूह ताज़ा हो जाती। इसका तर्जमा ये है, उरवा इब्ने मसूद सक़फ़ी ने जबकि वो शख्स आया देखने के लिए हुजूर से मुआहदा करने के, बैठकर बात कर लें, तो उस आने वाले शख्स ने देखा कि हुजूर के सहाबा का अदब और मोहब्बत का अंदाज़ क्या है, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपनी खकार शरीफ निकालते हैं, जब बलगम हम और आप अपनी ज़बान में जिसे कहते हैं, जब हुजूर खांसते हैं बलगम शरीफ निकालते हैं, तो आलम यह है कि वो बलगम हुजूर का ज़मीन पर नहीं गिरता है, बल्कि सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात दौड़कर अपने हाथों में ले लेती है, अपने चेहरे दाढ़ी और अपने जिस्म पर मल लिया करती है। ये हुजूर के सहाबा की मोहब्बत का अंदाज़ है कि हुजूर का थूक शरीफ, हुजूर का थूक शरीफ, हुजूर की खकार शरीफ ज़मीन पर नहीं गिरती है, बल्कि इल्ला वक़अत फ़ी कफ़ रजुल मिन्हुम फ़दलकू बिहा वजहहू व जिल्दहू, कि उनमें से सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात दौड़कर हुजूर के थूक शरीफ को हाथों में ले लेते हैं, हथेलियों पे ज़मीन इंतज़ार करती रह जाती है, काश ज़िंदगी में एक दिन तो मेरे आका का थूक मुझ तक पहुँच जाए, तमाशाई बनी मुंतज़र रहती है, मगर हुजूर का थूक कभी एक बार भी ज़मीन पर नहीं पहुंचता है। सहाबा की मुकद्दस जमात दौड़कर उसे अपने हाथों में लेके चेहरे और दाढ़ियों पे मल लिया करती है। ये मोहब्बत रसूल का मिजाज है। उसके बाद फरमाते हैं, व इज़ा अमरहुम, दुनिया में है कोई है मुरीद, कोई मुरीद ऐसा है जो पीर साहब के साथ उसका इस तरह रिश्ता हो? आज आलम यह है, पीर साहबों या मुफ्ती साहबों या आलिम साहबों या इमाम साहबों, वो अपनी प्लेट में खाया हुआ खाना छोड़ दें या गिलास में पिया हुआ पानी छोड़ दें, तो कितने लोग ऐसे कि उस पानी को भी ले जाके नाली में फेंक देते हैं ये सोचकर कि हम झूठा नहीं पिएंगे। समझ रहे हैं आप? हालांकि हमारे बुज़ुर्गों ने हमें ये जहन दिया, हमारे बुज़ुर्गों का मिजाज ये है कि जो मुकद्दस जमात है उलमाए कराम की, पीराने इज़ाम की, जो बाअमल लोग हैं, उनके झूठे में अल्लाह ने शिफा रखी है कि अगर उनके लबों से लगने वाला खाना या उनके लबहाए मुबारका से लगने वाले पानी के कतरे मिल जाएं तो छोड़ो मत, चूँकि वो तुम्हारे लिए बरकत का सामान है, उसे ले लो, चूँकि ये खुशकस्मतों को मिलती है। सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात ने ये जहन दिया है, वो मुकद्दस जमात पानी तो पानी है, उन्होंने हुजूर के थूक शरीफ को ज़मीन पे कभी गिरने नहीं दिया। हदीस पाक में, व इज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, और जब हुजूर, देखिए अदब किसे कहते हैं, इस्लाम ने कोई चीज़ ऐसी नहीं है जिस पहलू पे इस्लाम ने रहनुमाई ना की हो,
इस्लाम ने जिस चीज़ को बताया ना हो, दुनिया में कोई चीज़ ऐसी नहीं है, मज़हब इस्लाम ने जिस पर रहन अदब क्या चीज़ है, मोहब्बत क्या चीज़ है। वइज़ा अमरहुम इब्तदरू अमरा, फरमाया कि जब वो किसी बात का हुक्म देते हैं, जब उनके मुबारक लब हिलने लग जाते हैं, तो सबकी तवज्जो अपने सारे कामों को छोड़कर उनकी बात पर होती है। पूरी दुनिया की सारी चीज़ों को छोड़कर तवज्जो उनके लबहाए मुबारका पे होती है कि हुजूर के होंठ हिल रहे हैं, न जाने कौन सा फरमान आने वाला है। वइज़ा अमरहुम इब्तदरुअन, फरमाया जब वो किसी चीज़ का हुक्म देते हैं तो सारे लोग उसको पूरा करने के लिए दौड़ पर पड़ते हैं कि हुजूर के इस फरमान पर, इस हुक्म पर हम अमल करके दिखाएं। सब दौड़ने लग जाते हैं, उनमें से हर शख्स इस बात का ख्वाहिशमंद होता है कि हुजूर के इस हुक्म को हम पूरा करें। आज इसका उल्टा है, चार लोग अगर एक जगह मौजूद हैं, आप पानी मांग लीजिए, तो उन चारों में से हर शख्स दूसरे का चेहरा देखता होगा कि ये ला के दे के ये ला के दे। ये मिजाज है दुनिया का, लेकिन इस्लाम ने, हमारे नबी ने, सहाबा इकराम की मुकद्दस जवान ने हमें मोहब्बत सिखाई कि अगर आपके दिल में किसी के लिए मोहब्बत है तो उसके साथ तुम्हारा अंदाज क्या होना चाहिए। मुकद्दस जमात जो सहाबा की है, उन्होंने बताया भी और अमल करके भी दिखाया। और ये सारी चीज़ें किसके सामने, एक वो इंसान जिसने अभी तक इस्लाम का कलमा नहीं पढ़ा, सुलह हुदैबिया के मौके पर आए हैं, वो अपनी आँखों से देख रहे हैं कि मोहम्मद का उनके सहाबा में अदब कितना है। उन्होंने कहा वइज़ा अमरहुम इब्तदरू, जब वो किसी बात का हुक्म देते हैं तो उनके लोग दौड़ने लग जाते हैं कि वो पूरा हम करें। उसके बाद वइज़ा तवद्दा कादू यक़्ततलून अला वुज़ूइही, और जब वो वज़ू करने के लिए बैठते हैं पानी लेके, जब वो वज़ू करने के लिए बैठते हैं पानी लेके, तो ऐसा लगता है कि वज़ू के वक्त ही आपस में सहाबा इकराम में जंग हो जाएगी, चूँकि उनके कुल्ली से, उनकी नाक शरीफ से, जिस्म से, हाथों से, चेहरे से लगने वाला, दाढ़ी से और आपकी पेशानी से लगने वाला पानी जब गिरता है तो सहाबा इकराम उसको ऐसे लेने के लिए झपट जाते हैं, गोया कि इनमें आपस में जंग हो जाएगी। हर एक की कोशिश होती है कि हुजूर के जिस्म से, चेहरे से लगने वाला पानी का एक कतरा भी ज़मीन पर न गिरे, हमारी हथेलियों में आ जाए। उसको लेते हैं, चेहरे पे मल लेते हैं, दाढ़ियों पे मल लेते हैं। ये हुजूर की मोहब्बत है सहाबा इकराम के दिल में, ऐसी मोहब्बत न आज तक किसी ने किसी से की है, न कयामत तक कोई ऐसी मोहब्बत कर सकता है जैसी मोहब्बत सहाबा इकराम ने हुजूर से की है। वइज़ा तवद्दा कादू यक़्ततलून अला वुज़ूइही, और जब वो वज़ू के लिए बैठते हैं तो वो लोग इतना तेज़ी से दौड़ पड़ते हैं गोया कि उनमें जंग हो जाएगी। पानी लेने के लिए हर एक की कोशिश होती है कि हुजूर के चेहरे से लगने वाला, पेशानी से, हुजूर के लबाए मुबारका से लगने वाला पानी का एक कतरा हमें मिल जाए ताकि हमारी ज़िंदगी की मेराज हो जाए। उसके बाद फरमाया वइज़ा तकल्लमा खफ़ज़ू अस्वातहुम इंदा, और जब मोहम्मद बोलते हैं, देखिए आप हदीस में सब कुछ है, ये सब हदीसें आज हमारे लोगों के सामने ही नहीं आती हैं, हमारे उलमाए किराम इन सब चीज़ों में तवज्जो ही नहीं देते हैं। फरमाया वइज़ा तकल्लमा खफ़ज़ू अस्वातहुम इंदा, और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कलाम फरमाते हैं, बोलते हैं, तो उनके सहाबा इकराम अपनी आवाज़ों को इस कदर हल्का कर लेते हैं, अपने जिस्मों को ऐसा कर लेते हैं गोया के उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं, बेजान हैं वो, कोई जान ही नहीं है उसमें। ये अदब का आलम है कि जब हुजूर बोलते हैं तो सब के सब ऐसे खामोश हो जाते हैं गोया के बेजान इंसान बैठे, इनमें जान ही नहीं है। ये अदब का आलम है। वमा युहिद्दून इलैहि नज़रा तअज़ीमन लहू, ये देखिए एक बहुत बाकमाल बात, और सहाबा इकराम के मुकद्दस जमात का आलम यह है कि कभी नज़र भर के हुजूर की तरफ देखते नहीं है अदब की वजह से, कभी हुजूर से नज़र नहीं मिलाते हैं कि कहीं बेअदबी ना हो जाए, सर उठा के हुजूर के चेहरे को नज़र से देखते नहीं हैं। सहाबा इकराम का हाल ये था कि जब भीड़ लगी होती थी तो बहुत दूर से, साइडों से, इधर उधर से हुजूर को ऐसे देखते थे, चूँकि अदब का ये आलम था कि सामने खड़े होकर पूरा चेहरा हुजूर की तरफ नहीं उठाते थे, नज़र से नज़र नहीं मिलाते थे कि ये बेअदबी हो जाएगी, कि हम उनके सामने कैसे खड़े हो सकते हैं। वमा युहिद्दून इलैहि नज़रा तअज़ीमन लहू,
فَرَجْعَ عُرْوَةُ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ. یہ ساری چیزیں دیکھیں, حضور سے بات ہو گئی, ٹھیک ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی جو بات ہونی تھی, ٹھیک ہے, بات ہو گئی, اور اس کے بعد جب انہوں نے جو کچھ دیکھا تو اس میں فَرَجْعَ إِلَىٰ أَصْحَابِهِ, تو عروہ ابن مسعود ثقفی جو ہمارے نبی کے پاس آئے تھے کفار مکہ کی طرف سے صلح کرنے کے لیے, انہوں نے یہ سب دیکھا, اس کے بعد وہ لوٹے اپنی قوم کی طرف کہ کیا بات ہوئی بتا دیں. فقال اے قوم واللہ, جب وہ اپنی قوم کی طرف واپس لوٹے تو انہوں نے جانتے ہو کیا کہا, اے لوگو سنو غور سے سنو, اللہ کی ذات کی قسم جو میں نے دیکھا ہے تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے, جو میں نے دیکھا ہے وہ باتیں تمہارے دماغ وہم و خیال میں آ بھی نہیں سکتی, تم نے تو تنہ تنہا محمد کو کمزور سمجھ کے مکے سے نکال دیا تھا, مگر ان کی عظمت شان کا عالم یہ ہے تم دیکھو گے تو حیران رہ جاؤ گے. اب یہ دیکھیے, اب جو تعریف ہونے والی ہے حضور کی, یہ کس کی زبان سے ہوگی؟ مسلمان کی نہیں. اب یہ جو تعریف ہے یہ اب ان کی محفل ہے جو ایمان نہیں لائے, ان کی آپس کی محفل میں ان کا جو بندہ آیا تھا حضور کو دیکھنے کے لیے بات کرنے, جب وہ واپس گیا تو اس نے جو کیفیت بیان کی, اب یہ جو تعریف کرنے والا ہے یہ عروہ ابن مسعود ثقفی جو ابھی تک ایمان نہیں لائے وہاں بیٹھے, تو کیا کہا, واللہ لقد وفدت علی الملوک, اے لوگو اللہ کی ذات کی قسم میں نے دنیا بھر میں بادشاہوں کی طرف سفر کیا ہے, ووفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی, میں نے قیصر و کسرا اور نجاشی کے دربار دیکھے ہیں, روم کے, روم کی بادشاہت دیکھی ہے, ایران کے علاقے اور بادشاہت دیکھی ہیں, وہاں کا دارالسلطنت دیکھا ہے, بادشاہ وقت کی کرسی اور اس کے خادم دیکھیں, وہاں کا انتظام اور اس کی محبتیں دیکھی ہیں, نجاشی کا دربار دیکھا ہے. کہتے ہیں واللہ لقد وفدت علی قیصر و کسرا و نجاشی, واللہ ان رأیت ملکا قد یعظم اصحابہ, اللہ کی ذات کی قسم مگر میں نے آج تک کوئی ایسا دربار نہیں دیکھا جس بادشاہ کی تعظیم اتنی کی جاتی ہو جتنی تعظیم محمد کے صاحب محمد کی کرتے ہیں. بہت خوبصورت جملہ ہے, یعظم اصحابہ ما یعظم اصحاب محمد محمدا, کہ جتنی تعظیم جتنی محبت محمد کے محمد سے محبت رکھنے والے ان کے صحابہ کی جماعت کرتی ہے اتنی تعظیم میں نے نہ قیصر و کسرا کے دربار میں دیکھی ہے, نہ نجاشی کے دربار میں, نہ ایران میں, نہ عراق میں, نہ روم میں, نہ بلغاریہ میں, دنیا کے کسی کنارے پر میں نے نہ کوئی ایسا بادشاہ دیکھا ہے, نہ ایسا دربار دیکھا ہے, نہ ایسے محبت کرنے والے دیکھیں, نہ ایسے تعظیم کرنے والے دیکھیں جیسی بادشاہت محمد کی لگی ہے. کوئی بلڈنگ نہیں ہے, کوئی حویلی نہیں ہے, کوئی علاقہ نہیں ہے, کوئی چیز نہیں ہے, زمین پر ہیں, کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں ہے, مگر محمد کی بادشاہت کا عالم یہ ہے, وہاں نورانیت کا ماحول یہ کہ وہ تھوک شریف نکالتے تو زمین پہ نہیں گرتا ہے, صحابہ ہاتھوں میں لے کے چہرے اور داڑھیوں پہ مل لیتے ہیں. یہ بولی ایمان والے کی نہیں ہے, یہ ان کی بولی ہے جنہوں نے اب تک اسلام کا کلمہ نہیں پڑھا. اس کے بعد کہتے ہیں واللہ ان تنخم نخامتن, اب یہ بتا رہے ہیں اپنے لوگوں کو کیا دیکھا ہے میں نے, واللہ ان تنخم نخامتا الا وقعت فی کف رجل منہم, اللہ کی ذات کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ جب وہ کھکار نکالتے ہیں تو وہ زمین پر نہیں گرتی ہے, زمین پہ گرنے سے پہلے ان کے اپنے اصحاب اس کو ہاتھوں میں لے کے چہرے اور داڑھی پر مل لیا کرتے ہیں, واذا امرهم ابتدروا امرا, اور جب وہ کسی کو کسی بات کا حکم دیتے ہیں تو لوگ دوڑ جاتے ہیں, ان میں سے ہر ایک کی خواہش ہوتی ہے کہ یہ میں کام کروں, واذا توضا اکاد یقتتلون علی وضوئه, اور جب وہ وضو کرتے ہیں تو صحابہ اکرام ان کے وضو کے پانی کو لینے کے لیے ایسے دوڑ جاتے ہیں گویا کہ ان میں لڑائی ہو جائے گی آپس میں, وَإِذَا تَكَلَّمَ خَفَضُوا أَصْوَاتَهُمْ عِنْدَا, اور جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی آوازیں ایسی پست ہو جاتی ہیں گویا کہ بے جان انسان بیٹھے ہوئے ہیں, ان میں حرکت ہی نہیں ہے کوئی, وَمَا يُحِدُّونَ إِلَيْهِ النَّظَرَ تَعْظِيمًا لَهُ, اور ان کی طرف کوئی بھی تعظیم کی وجہ سے نظر اٹھا کے دیکھ بھی نہیں سکتا ہے, یہ ان کا انداز ہے, یہ ان کی محبت ہے. آپ اندازہ لگائیے صحابہ اکرام نے حضور سے کیسی محبت کی, یہ انداز ہے صحابہ اکرام کا. اب صحابہ اکرام کی اس محبت کے مقابلے میں ذرا اس جماعت کے بارے میں غور کریں, وہ کہے حضور ہماری طرح ہیں, پھر اس شخص ان لوگوں کو کیسے ایمان والا سمجھا جا سکتا ہے, جبکہ صحابہ اکرام کا عمل ہماری نگاہوں کے سامنے ہے.
वो सहाबा की मुकद्दस जमात जिन्होंने हुजूर के थूक को ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, हुजूर के वज़ू के पानी को ज़मीन पे नहीं गिरने दिया, वो मुकद्दस जमात का अमल, उनकी बातें हमारी निगाहों के सामने, एक तरफ ये ईमान वाले और एक तरफ वो जो हुजूर की शान में गुस्ताखी करें, उनके बारे में ये कैसे कहा जा सकता है। एक हदीस है, अन अनस इब्न मालिक लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाक यहलिकुहु وأطاف به أصحابنا فلما يريدون أن تقع شعر النبي صلى الله عليه وسلم حضرت أنس بن مالك أنس بن مالك कौन है? ये अनस बिन मालिक वो हैं जो बचपन से हुजूर की बारगाह में रहे, और ये वो सहाबी हैं जिनको हुजूर के अंदर हुजरे में आने जाने का मौका मिलता था। हुजूर की बीवियों के पास आने जाने का, चूँकि छोटे से बच्चे थे और बहुत समझदार थे, और हुजूर ने बिल्कुल इनको अपनी औलाद की तरह परवरिश फरमाई, और हुजूर बड़ी मोहब्बत फरमाते थे इनसे। तो वही हज़रत अनस इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं लक़द रअयतु रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वल हल्लाक यहलिकुहु, कहते हैं मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हुजूर के पास बाल बनाने के लिए एक सहाबी मौजूद हैं, हुजूर अपने बाल बना रहे हैं, हुजूर अपने बाल बनवा रहे हैं किसी से, और आलम यह है कि हुजूर का तवाफ जारी है। हुजूर, इसका यह मतलब नहीं कि हुजूर तवाफ कर रहे हैं, नहीं, हुजूर का तवाफ किया जा रहा है, सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात हुजूर को घेरे हुए चारों तरफ से तवाफ कर रही है। ऐ लोगों, हुजूर के बाल बन रहे हैं, तवाफ क्यों कर रहे हो? हुजूर के बाल बन रहे हैं, तवाफ क्यों कर रहे हो? आराम करो, अपने घरों पे जाके अपने कामों को संभालो, जिम्मेदारी को संभालो, तवाफ क्यों कर रहे हो? कहा हम तवाफ इसलिए कर रहे हैं कि हुजूर के बाल बनने वाले हैं। पूरी ज़िंदगी से हमारे दिल में ये हसरत थी कि हुजूर के सरे मुबारक का एक बाल हमारे हिस्से में आ जाए। मोहब्बत देखिए आप, मोहब्बत ये है, मोहब्बत करने वाले किसी के लिए एक बाल पूरी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए काफ़ी है, किसी के लिए पूरी ज़ात कोई मायने नहीं रखती। हुजूर की ज़ात का तवाफ़ कर रहे हैं, लाइन लगाएं बड़े बड़े सहाबा इकराम। आज मुए मुबारक के बारे में लोग हमसे और आपसे सवाल करते हैं, क्या है ये मुए मुबारक, क्या है तबर्रुकात, कौन सी हदीस से साबित है तबर्रुकात? आप ज़रा इस हदीस को देखिए, बुखारी शरीफ की हदीस है। बड़ा अफसोस होता है हमें उस वक्त में जबकि इस तरह की बात करने वाले, पता नहीं कौन सी लोकल बुखारी पढ़ते हैं हिंदी में या उर्दू में, जिनको ये हदीसें नहीं मिलती कहीं पर। बुखारी शरीफ की हदीस है, अन अनस इबन मालिक, हज़रत अनस बिन मालिक रावी हैं इस हदीस के, फरमाते अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाल बनवा रहे थे और सहाबा इकराम लाइन लगाए हुजूर का तवाफ कर रहे थे। क्यों खड़े हो यहाँ पर? हम खड़े इसलिए हैं कि हुजूर के बाल बनने वाले इतने ज़्यादा हैं कि एक से ज़्यादा बाल तो हिस्से में नहीं आएगा, बस हमारी ज़िंदगी की मेराज तो एक बाल में हो जाएगी कि हुजूर का एक बाल हमें अपने पास रखने का मौका मिल जाए। ये हमारी ज़िंदगी की मेराज है। ये है सहाबा इकराम की मुकद्दस जमात। सहाबा इकराम का मिजाज ये था कि जब उनके घरों में छोटे छोटे बच्चे पैदा होते, जब बच्चे पैदा होते तो वो कुछ खिलाने की शुरुआत हुजूर की बारगाह से करते, कुछ भी नहीं खिलाते, वो सबसे पहले लाते हुजूर की बारगाह में, सबसे पहले उन बच्चों को हुजूर की बारगाह में लाते, और लाने के बाद में कि या रसूल अल्लाह आप खजूर अपने मुंह में रखकर उसको चबा लीजिए, और चबाने के बाद में थोड़ा सा खजूर का वही चबाया हुआ टुकड़ा, तो वहाँ एक मकसद सिर्फ ये नहीं होता था कि हुजूर खिला दें, बल्कि एक मकसद ये भी होता था कि उस खजूर के साथ हुजूर का थूक शरीफ भी लिपट कर हमारे औलाद के मुंह और पेट के अंदर चला जाएगा। बच्चों को लाते, पहली बार बच्चों को खिलाने की शुरुआत करते। हज़रत असमा बिनते अबी बकर जब मक्के में थी तो अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर पैदा होने वाले थे, जब मदीने में आ गई, पैदाइश हुई, हुजूर की बारगाह में हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर को पेश किया गया, रसूलल्लाह खाने की शुरुआत होने वाली है, खजूर आपके मुंह में कुचलने के बाद में या रसूलल्लाह खजूर खिला दीजिए, लेकिन खजूर के साथ साथ या रसूलल्लाह इनके अंदर और कितना क्या चला जाएगा ये तो सिर्फ आप जानते हैं और लेने वाला जानता है, खजूर का टुकड़ा ही नहीं जाएगा, हैं, खजूर का टुकड़ा ही नहीं जाएगा, बल्कि नूरुन आला नूर, उस ज़ात बाबरकत को जिसके बारे में सरकार आला हज़रत फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा, बच्चा नूर का, तू है ऐन नूर, तेरा सब घराना नूर का। कुरान ने जिनको नूर कहा, कद जाअकुम मिनल्लाह नूर, है लोगों तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से नूर आ गया, उस ज़ात बाबरकत के मुँह में
खजूर का टुकड़ा है। इस खजूर के टुकड़े में टुकड़ा नहीं जा रहा है, बल्कि उसी टुकड़े में मुस्तफ़ा की ज़बान से लगने वाला लुआब दहन, वो तमाम कमालात, वो बुलंदी, वो तमाम नेमतें, बरकतें हुजूर के लुआब, हुजूर के थूक की शक्ल में इंसान के अंदर मुंतकिल हो जाती हैं। ये मिजाज था हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, आप अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में लाखों हज़ारों हदीसें हैं। देखिए एक हदीस और भी है, अन अस्मा कालत हादही जुब्बत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कानत आयशा फलम्मा कुबिदत कबलतुहा फनहनु नक्सलुहा व नस्तशफी बिहा। हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक जुब्बा शरीफ था जिसे हमारे आका अपनी ज़िंदगी में पहनते थे। हुजूर का विसाल हुआ, विसाल होने के बाद वो जुब्बा शरीफ उम्मुल मोमिनीन हज़रत सैयदतुना आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाहु अन्हा के पास था। और जब उनका विसाल हुआ तो हज़रत अस्मा फरमाती हैं कि वो मैंने ले लिया इसलिए कि मैं इसकी हिफाजत करूं। चूँकि इन तबर्रुकात की अहमियत को जानते तो सब हैं, लेकिन सब एक दर्जे के नहीं जानते हैं, कोई कम जानता है, कोई बहुत आला दर्जे पे जानता है। जो जितना ज़्यादा करीब होता है वो उतना ज़्यादा शख्सियत को और शख्सियत की चीज़ों को जानता है, दूर वाले उस चीज़ को नहीं समझते। हज़रत अस्मा फरमाती हैं मैंने उसको ले लिया, लेने के बाद अब हम उस जुब्बे का करते क्या थे। फरमाती हैं हम उस जुब्बे का करते ये थे कि जब मदीने में कोई बीमार हो जाता, देखिए हुजूर के तबर्रुकात, हमने गुस्ल मुबारक का पानी पूरे शहर में बांटा, और शहर में नहीं बल्कि मैं समझता हूँ पूरे राजस्थान के हर इलाके में पहुँची वो शीशी। लोग नहीं समझते इन चीज़ों को, लेकिन तबर्रुकात, अगर आज मुए मुबारक को गुस्ल देकर हम उस पानी को तकसीम कर रहे हैं तो ये नई बात नहीं है, बुखारी शरीफ की अहादीस से साबित है। हज़रत अस्मा फरमाती हैं जब मदीने में कोई बीमार हो जाता तो हम ये करते कि पानी किसी चीज़ में ले लेते और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के या तो पूरे जुब्बे को या जुब्बे के एक किनारे को उसमें डाल देते, उस पानी में हुजूर के जुब्बे का किनारा चला जाता और ले जाकर उस पानी को मरीज़ को पिलाते और उस मरीज़ के पूरे जिस्म पर पानी का मसा कर देते, जिस्म पर भीगे हुए हाथ फेर देते, पानी पिलाने की देर न होती कि वो शिफा याब हो जाता। तबर्रुकात मुस्तफ़ा की आप बरकत देखिए कि पानी पिलाने की देर ना होती, पानी हाथ में लगाने की देर ना होती कि वो शिफा याब हो जाता। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से एक हदीस इसी हवाले से और भी है, अन उस्मान बिन अब्दुल्ला क़ाल अरसलनी अहली इला उम्मे सलमा बिक़द्हम मिन माइन व काना इज़ा असाब अल इंसान अइनुन औ शैउन बअथा इलैहा फ़अख़रजत मिन शअर रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत उस्मान बिन अब्दुल्ला फरमाते हैं कि मेरे घर वालों ने मुझे हज़रत उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह अन्हा के पास एक बर्तन लेके भेजा। क्या लेके भेजा? पानी के लिए एक बर्तन, लोग बीमार थे, बर्तन लेके भेजा। वकाना इज़ा असाब अल इंसान आइनुन औ शय, फरमाया जब हमारे यहाँ लोग मदीने में किसी को नज़र लग जाती, क्या होता, नज़र लग जाती या कोई बीमार पड़ जाता, तो घर वालों ने मुझे भेजा या भेजते मेरे घर वाले हमेशा कहाँ, हज़रत उम्मे सलमा के पास एक प्याला लेकर। वो कहते हैं उनके पास एक कुप्पी सी थी जिसमें उनके पास हुजूर का एक बाले मुबारक था, तो वो हुजूर के बाल को निकालती, उस कुप्पी के ज़रिए ऊपर से पानी डालती, ऐसी कंडीशन में कि वो पानी हुजूर के बाल के ऊपर से गुज़रता मेरे बर्तन में आ जाता, हुजूर के बाल के ऊपर से गुज़रता हुआ वो पानी मेरे बर्तन में आ जाता, और जब वो पानी मेरे बर्तन में आ जाता और मैं वो पानी लाके दे देता तो मेरी माँ मदीने के मरीज़ों को बांट देती, जहाँ जहाँ तक पानी पहुँच जाता वो मरीज़ शिफा याब हो जाते। अदब देखिए, अदब, ये अदब वाले लोग हैं कि जिन्होंने ज़ात तो ज़ाते एक बाल को छोड़ा नहीं, पूरी ज़िंदगी सीने से लगा के रखा है एक बाल को, ये अदब करने वाले लोग हैं। एक सहाबी हैं हज़रत अबू अयूब अंसारी, नाम सुना होगा आपने, अबू अयूब अंसारी बड़े मशहूर और मैं समझता हूँ कि बहुत खुशकिस्मत, वैसे तो सहाबी की निस्बत ही वही है जिसने ईमान की हालत में हुजूर को देखा, उनसे तो ज़्यादा खुशकिस्मत कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन सहाबा-ए-किराम की मुक़द्दस जमात में एक बड़ा अहम मकाम है अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु का।
क्योंकि ये वो खुश नसीब सहाबी हैं कि जब हुजूर ने मदीने की तरफ हिजरत फरमाई तो हर शख्स की ख्वाहिश कि हुजूर हमारे घर क़याम फरमा लें, हुजूर हमारे घर क़याम फरमा लें, हुजूर हमारे घर क़याम फरमा लें। अब पलकें बिछाए तो सभी खड़े हैं। ऐसे मौके पे फ़ैसला करना हमारे और आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है, ऐसे मौके पे फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार किसी एक जगह जाना हो और उस एक जगह को ले जाने के लिए चार लोग गाड़ी लेकर एक वक्त में आ जाएं, तो फ़ैसला करना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि हमें किसके साथ किसकी गाड़ी में बैठना है। चूँकि आने वाले हमारे लिए चारों बराबर हैं, सब मोहब्बत में आएँ, अपना वक्त देखें, अपनी गाड़ी लेकर आएँ, हमें किसके साथ बैठना है, बड़ा मुश्किल हो जाता है उस वक्त में। बड़ी मेहनत के साथ, बड़ी तवज्जो के साथ उनको कन्विंस किया जाता है कि किस अंदाज़ में हम किसको सेट करें ताकि किसी का दिल न टूटे। हुजूर के सारे ग़ुलाम लाइन लगाए खड़े हुए हैं। एक वो बदनसीब लोग थे कि जिन्होंने रातों रात निकलने पर मेरे नबी को मजबूर किया था, और एक खुशकिस्मत मदीने वाले मुस्तफ़ा के ग़ुलाम थे मदीने में जो लाइन लगाए खड़े थे और पढ़ रहे थे तला अल बद्रु अलैना मिन सनीयतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई। छोटी छोटी बच्चियां दफ बजा रही थीं, दफ नगमे सुना रही थीं हुजूर को, कह रही थीं तला अल बद्रु अलैना, हमारे ऊपर चांद तुलू हो गया है आज। मेरे नबी को चांद कहा उन्होंने कि जिसकी रोशनी पूरी कायनात को मुनव्वर करती है, ये अल्लाह के ऐसे महबूब हैं। अब मदीना ऐसा मरकज़ बनेगा, क़यामत तक आने वाले लोगों का मरकज़ बन जाएगा कि पूरी दुनिया में इसी मदीने की सरज़मीन से इस्लाम का नूर फैलेगा। तला अल बद्रु अलैना मिन सनीयतिल वदाई वजब शुक्रु अलैना मा दआ लिल्लाहि दाई, दब बजाई जा रही है। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी सामने खड़े हुए हैं, और भी सहाबा इकराम, या रसूलल्लाह हमारे घर पे क़याम फरमा ले। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं कुछ फ़ैसला नहीं करूँगा, ये फ़ैसला मेरी ऊँटनी करेगी। दुनिया के लोग गालिबन इस ऊँटनी को देखेंगे और सोचेंगे, कुछ लोग एतराज़ कर सकते हैं, ऊँटनी कैसे फ़ैसला करेगी, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि ये ऊँटनी भी वो है, यह ऊँटनी भी वो है जिससे जिस पर मेरे नबी ने सवारी फरमाई है। मेरे नबी का जिस्म जिससे टच हो जाए उससे उस पर जहन्नम की आग हराम है। तो जिस पर मेरे नबी सवारी फरमा लें वो आम जानवरों की तरह जानवर नहीं होगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मेरी ऊँटनी ये ख़ुद फ़ैसला कर देगी कहाँ मुझे ठहरना है, ये जहाँ बैठ जाएगी जिसके दरवाज़े पर अपनी मर्ज़ी से मैं वहीं क़याम करूँगा। लोग दुआएँ कर रहे हैं, दुआएं कर रहे हैं, काश ऊँटनी की तरफ तवज्जो की नज़र से देख रहे हैं, ऊँटनी हमारे दरवाज़े पे बैठ जा, ऐ ऊँटनी हमारे दरवाज़े पे बैठ जा। मगर ये खुशकिस्मती हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाहु अन्हु की किस्मत में आई, ऊँटनी वहाँ बैठी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ क़याम फरमाया। और वहाँ एक बहुत बड़ी हिकमत थी, आप अंदाज़ा लगाइए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उनके घर पर क़याम फरमाने की एक बहुत बड़ी हिकमत थी। हिकमत ये थी कि उनका घर दो मंजिल का था, यानी अगर एक जगह हुजूर ठहर जाएं तो ज़ाहिर मदीने के सारे लोग वहाँ मिलने के लिए हुजूर के पास आएंगे। जैसे हमारे यहाँ कभी कोई आलिम या कोई पीराने इज़ाम जब तशरीफ़ लाते हैं किसी के भी घर पे, तो उसके घर पे पूरे इलाके के लोग मिलने के लिए आते हैं। अब अगर उसका एक ही रूम हो रहने के लिए तो उसके घर की औरतों के लिए, फैमिली के लिए एक दुश्वारी का मैटर है। तो एक बहुत बड़ी हिकमत ये थी हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के मकान पर ठहरने की कि उनका मकान दो मंजिल का था। ऊँटनी भी कितनी समझदार है कि उस दरवाज़े पर रुकी कि जहाँ कोई दिक्कत और परेशानी का सामना ना हो। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी के यहाँ मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए, नीचे की मकान में हुज़ूर ठहर गए, इस सोच के साथ कि मिलने वाले आने वाले लोगों में बूढ़े भी होंगे, ज़ईब भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो तमाम लोग आसानी के साथ यहाँ दीन सीखने आते रहेंगे। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी अपनी बीवी फैमिली के साथ ऊपर के मकान में रहने लगे। एक दिन अचानक से मोहब्बत, देखिए मोहब्बत किसे कहते हैं, इश्क़ रसूल क्या है, अचानक से रात में आँख खुली। अबू अय्यूब अंसारी के दिल में ख़याल आया कि ऐ अय्यूब ये कैसे मुमकिन है कि हुजूर नीचे हो तो हुजूर के ऊपर हो, हुजूर नीचे के रूम में हो, हुजूर नीचे के कमरे में हो
और अबू अय्यूब अंसारी तो हुजूर जिस रूम में नीचे हो तेरे कदम उससे ऊपर हो, ये कैसे मुमकिन है, ये कैसी मोहब्बत है। एक बिस्तर से उठे, एक कोने में जाके बैठ गए, एक कोने में जाके बैठ गए गुलामों की तरह चुपचाप खामोश, और पूरी रात इंतज़ार करते रहे कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अब जैसे ही मुलाकात होगी मैं किसी भी कीमत पर हुजूर को राज़ी करके ऊपर लाऊंगा। या रसूल अल्लाह, ये कैसे मुमकिन है कि आका नीचे हो गुलाम ऊपर हो? या रसूल अल्लाह ये तो बेअदबी है, या रसूल अल्लाह आप ऊपर की जगह पसंद फरमा लें। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब सुबह निकली, बेदार हुए हुजूर की बारगाह में, इन्होंने जाके अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह मैं ऐसा नहीं कर सकता, या रसूल अल्लाह ऐसा नहीं हो सकता कि आप नीचे रहें मैं ऊपर रहूँ, या रसूल अल्लाह हम नीचे रहेंगे, या रसूल अल्लाह हम नीचे रहेंगे आप ऊपर रहेंगे, चूँकि मेरी मोहब्बत को ये गवारा नहीं है कि इमामुल अंबिया जिसका दर्जा सबसे बुलंद है वो नीचे रहे और हम ग़ुलाम होकर ऊपर रहें, मेरे पैर आपके सर से ऊपर रहें छत के ऊपर, या रसूल अल्लाह ये कैसे गवारा हो सकता है? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऊपर की जगह को इनकी ख्वाहिश पर पसंद फरमा लिया। ख़ास बात ये थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और नरमी का आलम यह था कि मेरे नबी सबके दिल का ख्याल फरमाते, मेरे आका सबके दिल का लिहाज फरमाते कि कहीं किसी का दिल न टूट जाए। मेरे नबी से पूछा गया एक मौके पर, या रसूल अल्लाह दुनिया में सबसे बुरा काम कौन सा है? मेरे नबी ने फरमाया किसी का दिल तोड़ना। सबसे बुरा काम कौन सा है? किसी का दिल तोड़ना। और सबसे अच्छा काम क्या है? किसी के दिल को खुश कर देना, अपनी ज़ात से, अपनी बात से, किसी काम से, किसी चीज़ से किसी के दिल को खुश कर देना, ये दुनिया का सबसे बेहतर काम है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों मोहब्बतें बांटो, लोगों के दिल को खुश करो, तुम ऐसा काम करो कि तुम्हारी ज़ात से लोगों का दिल खुश हो, तुम्हारी बात से लोगों का दिल खुश हो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, या रसूल अल्लाह दुनिया का सबसे बुरा काम कौन सा है? मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, दुनिया का सबसे बुरा काम है किसी के दिल को तोड़ देना। आज आप देख लीजिए हमारी ज़बान से कोई ऐसा जुमला कभी निकल जाता है गुरूर वाला, तकब्बुर वाला, हमारे अपनों में, दोस्तों में, और हमारा अपना दिल भी थोड़ी देर के बाद उस पर मलामत करता है कि ये जुमला हमारी ज़बान से गलत निकला है, ये ज़्यादा बड़ी बात हो गई, ये ज़्यादा तकब्बुर का जुमला हो गया, सामने वाले को भी बुरा लगा होगा और ये जुमला अल्लाह को भी बुरा लगा होगा, चूँकि इसमें तकब्बुर है, लिहाजा हमें तौबा कर लेनी चाहिए, अपने दोस्त से माफ़ी मांग लेना चाहिए, माँ बाप से, रिश्ता, जिसके सामने भी हमने तकब्बुर का जुमला बोला। लेकिन इंसान फ़ौरन ये सोच लेता है, शैतान उसे तौबा नहीं करने, नहीं नहीं तौबा करोगे बेइज्जती हो जाएगी, माफ़ी मांगोगे बेइज्जती हो जाएगी। लेकिन मेरे नबी फरमाते हैं माफ़ी मांगने से लोग छोटे नहीं बड़े होते हैं, झुकने से लोग छोटे नहीं बड़े होते हैं। थोड़ी देर की बदज़बानी, थोड़ी देर के सख्त जुमले, थोड़ी देर का जज्बातीपन इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए नुकसान देता है। हज़ारों हज़ारों मिसालें मेरे और आपके सामने, थोड़ी देर के चंद जज्बाती जुमले इंसान को पूरी ज़िंदगी के लिए नुकसान देते हैं। किसी ने कहा था जो अकड़ गया वो उखड़ गया, जो झुक गया वो रुक गया। आपने कभी धूप घास को देखा है? एक छोटी सी घास खेतों में हमेशा पाई जाती है। बारिश का मौसम आता है, आंधी और तूफान का मौसम आता है, बड़े बड़े नीम, पीपल के पेड़, शीशम और लिपस्टिक के पेड़ एक झटके में जड़ से उखड़ जाते हैं। देखा नहीं देखा आपने? आंधी तूफान में आप गुजरिए रोडों पर, बड़ी बड़ी लिप्टिस के पेड़ पड़े होते हैं, बड़े बड़े मोटे मोटे से पीपल के पेड़, 20-20, 50-50 साल पुराने, जड़ों समेत, टूटते नहीं हैं, जड़ों समेत उखड़ जाते हैं। और वहीं पर आप देख लीजिए ज़मीन पर छोटी सी जो धूप घास होती है खेतों पर, मेड़ों पर, किनारों पर, रोड पर, आपने उसको टूटा हुआ नहीं देखा होगा, वो तो जैसी खड़ी है वैसी। क्यों? वजह है, याद रखिए इस मिसाल को, समझ भी लीजिए, चूँकि ये लिप्टिस का पेड़ तकब्बुर के साथ सीना ताने खड़ा है, इसने झुकना नहीं सीखा, इसलिए एक झटके में टूट गया। पीपल का पेड़ सीना ताने खड़ा है, इसने झुकना नहीं सीखा, एक झटके में टूट गया। लेकिन उस धूप घास के बारे में ज़रा गौर कीजिए, उस घास का आलम यह, उसने झुकना सीखा है, इस तरह खड़ी है, इधर से आंधी आई तो इधर झुक गई, इधर से हवा आई तो इधर झुक गई, उसने मौके की नज़ाकत के मुताबिक झुकना सीखा है। जो झुकना सीख लेता है वो अपनी जगह पर बाकी रहता है, जो तकब्बुर करता है वो जड़ों समेत उखड़ जाता है। यही मिसाल है एक मुसलमान के लिए कि ऐ लोगों झुकने वाला मिजाज पैदा करो, तुम्हारे झुकने से
अगर लड़ाई टल सकती हो तो झुकने का मिजाज पैदा करो, तुम्हारे झुकने से भाई भाई मिल सकता हो तो झुकने का मिजाज पैदा करो, तुम्हारे झुकने से किसी की ज़िंदगी बन सकती हो तो झुकने का मिजाज पैदा करो, तुम्हारे झुकने से बाप और बेटे का रिश्ता बेहतर हो सकता हो तो झुकने का मिजाज पैदा करो, तुम्हारे झुकने से अगर पड़ोसी पड़ोसी की लड़ाई ख़त्म हो सकती है तो झुकने का मिजाज पैदा करो, लड़ने का मिजाज पैदा नहीं करो, इसलिए कि तुम्हें पता नहीं है आज रात को तुम दिल को गंदा करके लड़ाई करके झगड़ा फसाद करके रात को बिस्तर पर दिल गंदा करके सोओगे, तुम्हें पता नहीं है कि सुबह तुम्हें बेदार नहीं होना है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की आखिरी नींद है, दिल गंदा करके मत जाओ, ये तुम्हारी ज़िंदगी का आखिरी बिछोना है, दिल गंदा करके मत जाओ, लड़के मत जाओ। सहाबा का मिजाज ये था, रात को माफ़ी मांग के कलमा पढ़ के बिस्तर पर जाते कि शायद ये हमारी ज़िंदगी की आखिरी रात हो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कहा, या रसूल्ला आप ऊपर तशरीफ़ ले जाएँ, या रसूल्ला मैं ऐसा नहीं कर सकता। हुज़ूर ऊपर शिफ्ट हो गए। अब हुआ ये कि इन्होंने तैयार करके हुज़ूर के लिए खाना भेजा, खाना भेजा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़याल फरमाते हुए, चूँकि ये बात मैं भी जानता हूँ, ये बात हम भी जानते हैं, हमें से हर शख्स जानता है कि जब हमारे घर कोई मेहमान आता है तो हम सबसे पहले अपनी फैमिली को खाना नहीं खिलाते हैं, बल्कि मेहमान को पहले खिलाने का अहतमाम करते हैं, और जितना हमारा खाना अच्छा होता है वो सारा खाना हम मेहमान के सामने रख देते हैं, चाहे हमारे लिए वो बाकी रहे या ना रहे। हमारा मिजाज ये होता है कि जब मेहमान खा के वापस कर देगा तब हमारी घर की औरतें और बच्चे खाएँगे, और अगर वही मेहमान कोई पीर हो, कोई आलिम हो, साहेब मनसब हो, तो और ज़्यादा अहतमाम किया जाता है। ये बात हम और आप ख़ुद भी जानते हैं कि जब हम मेहमान होते हैं तो हमें मालूम होता है, इसीलिए हमारी अपनी ये कोशिश होती है, हम में से हर शख्स की, कि हमारे दस्तरखान पर अच्छी अच्छी नेमतें हमारे मेज़बान ने हमारे लिए लगाई हैं, तो हमें सबको नहीं खाना है, हमें सबको नहीं खाना है, बल्कि हमें अपनी प्लेट में उतना ही लेना है जो हमारी ज़रूरत का है, बाकी थोड़ा सा हमें अपने मेज़बान के लिए बचा देना है, क्योंकि हमारा अपना मेज़बान है, उसने मोहब्बत में सब कुछ दस्तरखान पर रख दिया है, लिहाजा उसको बचाना भी हमारा हमें ख्याल करना है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी मिजाज का मुजाहरा फरमाया, हज़रत अबू अय्यूब अंसारी ने खाना भेज दिया बनाकर, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना खा लिया, बच्चा उठा के लाया, थोड़ा सा खाना बाकी था, तो जानते हो क्या पूछते हैं, इस प्लेट में ये बता कि हुजूर ने किस तरफ से उंगलियां लगाकर खाना खाया था, ये बता कि हुजूर ने इस प्लेट में, इस खोन में, इस बर्तन में किस साइड में हुजूर ने उंगलियां लगाई थी, मुझे उन्हीं की तरफ से जो है खाना खाना है, ताकि मेरे पेट में वो लुक्मा जाए कि जिस सालन पर मेरे नबी की उंगलियां लग गई हों खाने की। हज़रत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह अन्हु का ये मिजाज है, आप अंदाज़ा लगाइए कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिजाज क्या था। बस आखिरी चंद बातें बताकर अपनी बात को मुकम्मल कर दूं, वक्त भी हो चुका है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक, उमर फ़ारूक आज़म, उस्मान गनी, मौला अली, इन चार शख्सियात को तरतीब से देखिए कि ये कैसी मोहब्बत करते थे हुज़ूर से। इन चारों को देखिए, खुलफ़ाए राशिदीन, कि ये हुज़ूर से कैसी मोहब्बत करते थे। हदीस पाक है, ज़हबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला बनी अम्र इब्न औफ लियुस्लिह बैनहुमा फहानतिस सलात फजाअ अल मुअज़्ज़िनु इला अबी बकर फ़क़ाल अतुसल्ली लिन्नास क़ाल नअम फसल्ल अबू बकर فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إن امكث مكانك فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وقد تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا ابا بكر ما منعك ان تثبت اذا امرتك فقال ابو بكر ما كان لابي قحافه ان يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم। حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبیلہ بنی عمرو بن عوف میں کچھ
लड़ाई का मसला हो गया। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ तशरीफ़ ले गए, लियुसलिहा बैनहुम, ताकि उनमें सुलह करा दें। नमाज का वक्त हो गया, हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अज़ान पढ़ दी, लेकिन जमात का वक्त होने तक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ नहीं ला सके। जब नहीं लाए तो हज़रत बिलाल ने कहा कि ए अबू बकर, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद नहीं है, नमाज का वक्त हो गया है, नमाजी मुंतज़र हैं, लिहाजा आप इमामत फरमाएं, नमाज पढ़ा दीजिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने गौर व फ़िक्र करने के बाद कि हाँ या रसूल, हाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है नहीं, नमाज का वक्त है, लोग इंतज़ार हैं, मुसल्ले पे खड़े हो गए नमाज के लिए। हुजूर के बाद इस उम्मत में सबसे बड़ा मर्तबा है अबू बकर सिद्दीक का, चूँकि ये वो ज़ात है कि जिनको हुजूर के मुसल्ले पे खड़े होकर नमाज़ पढ़ाने का मौका मिला है, ये वो हैं कि जिन्हें हुजूर ने ख़ुद नमाज पढ़ने का मौका दिया है। नमाज पढ़ाने खड़े हो गए, नियत बांध ली, नमाज चलने लगी, बीच नमाज में क्या हुआ, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले आए बीच नमाज में। अब हदीस पाक में है, फतखल्लस हत्ता वक़फ़ा फ़ि सफ़्फ़ फ़सफ़्फ़क़ अन्नास, कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए और सब में खड़े हो गए। अब सहाबा इकराम यहाँ पर रुक कर एक चीज़ समझिए, जिन लोगों ने कहा नमाज में हुज़ूर का ख्याल आ जाए नमाज नहीं होगी, हमने उनकी बात सुन ली, ठीक है। हदीस देखिए, बुखारी शरीफ जिल नंबर 1 सफ़ा नंबर 94 पर यह हदीस मौजूद है। सहाबा इकराम कि सबकी नमाज में हुजूर का ख्याल, उन्होंने देख लिया कि हुजूर आ गए, वो देख रहे हैं अपनी आंखों से हुजूर आ गए। अब अबू बकर नमाज पढ़ाने में बिजी हैं, हुजूर आके सबके बराबर खड़े हो गए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में वकाना अबू बकर ला यल्तफितु फ़ी सलातिही, कि हज़रत अबू बकर का मिजाज ये था कि इतने मुनहमिक हो के नमाज पढ़ाते थे या पढ़ते थे कि वो किसी की तरफ तवज्जो नहीं देते थे। अब वो नमाज में नियत बांध ली, साहब ये रसूल की नमाज, बिल्कुल नमाज पढ़ाने में मगन है, हुजूर आ गए। अब सहाबा इकराम ये देख रहे हैं कि मुसल्ले पे हुजूर जाएंगे या हुजूर पीछे नमाज पढ़ेंगे, क्या होगा। तो सहाबा इकराम ने देखने के बाद में एक तरीका इख्तियार किया, दाएं हाथ की उंगलियों को बाएं हथेली की पीठ पर मारना शुरू किया, दाहिने हाथ की उंगलियों को बाएं हथेली पर मारना शुरू किया कि अबू बकर को ये इशारा मिल जाए कि हुजूर आ गए हैं, अबू बकर को ये इशारा मिल जाए हुजूर आ गए हैं। अब मुझे आप बताइए, हदीस पाक में है कि सहाबा इकराम ने अपनी नमाज में हथेली पर हाथ मारना शुरू किया हुजूर के आने की वजह से ताकि अबू बकर को पता चल जाए, इसका मतलब ये है कि पूरी मस्जिद के तमाम सहाबा के जहन में हुजूर का ख्याल मौजूद है, तमाम इसीलिए तो हाथ मार रहे हैं, अबू बकर हटो हुजूर आ गए। अब किसी की तवज्जो इस पे नहीं है, पढ़ना क्या है, अब सबकी तवज्जो ये है कि हुजूर आ गए हैं। ये नमाज थी सहाबा इकराम की। मैं बड़ा हैरान होता हूँ ये हदीसें पढ़ के, वो लोग कौन सी हदीस पढ़ते हैं भाई, कौन सी बुखारी शरीफ छपाई हुई है, उन्होंने कौन से मकतबे से, ये हदीसें नहीं मिलती कहीं भी। सहाबा इकराम हथेली पे उंगलियाँ मार रहे हैं, आवाज़ तेज़, शुरुआत में हज़रत अबू बकर ने तवज्जो नहीं की, तवज्जो नहीं दी, क्या हो रहा है। जब शोर ज़्यादा हुआ, फ़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने हुजूर की तरफ देखा, कब, नमाज के बाद, हालत नमाज में, किसने, अफ़दलुल बशर बादल अंबिया इबित तहकीक अमीरुल मुमिनीन अबी बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु, किसने देखा, अबू बकर सिद्दीक ने, कब देखा, हालत नमाज में, कहाँ देखा, हुजूर की तरफ, फ़रा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन्होंने हुजूर की तरफ देखा और हुजूर ने उनकी तरफ देखा। जब हुजूर ने उनकी तरफ देखा, फ़अशारा इलैहि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनिम कुथ मकानक,
उन्होंने हुजूर की तरफ़ देखा, हुजूर ने उनकी तरफ़ देख लिया, तो अब हुआ क्या कि हुजूर ने उनको इशारा किया, इनमकुस मकानक, मतलब वहीं रहो, नमाज़ पढ़ाओ, मुकम्मल करो नमाज। अब आप देखिए, तमाम सहाबा इकराम हालत नमाज में ये मंज़र देख रहे हैं, सब के सब पीछे से ताली बजा रहे हैं कि अबू बकर पीछे हट जाएं, हुजूर मुसल्ले पे आ जाएं। अबू बकर ने हुजूर की तरफ़ देख लिया, जब देखा हुजूर ने उनकी तरफ़ देखा। अब आप देखिए, अगर अबू बकर हुजूर की तरफ देख न रहे होते तो मेरे नबी इशारा किसको करते? हदीस में है, फ़अशारा इलैही है, हुजूर ने अबू बकर की तरफ इशारा किया। अब मैं नीचे निगाह करके अगर मैं नमाज पढ़ता हूँ तो आप मेरी तरफ इशारा करोगे? मैं देख ही नहीं रहा हूँ आपकी तरफ। हुजूर ने अबू बकर की तरफ इशारा किया, इसका मतलब अबू बकर हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर अबू बकर को देख रहे हैं। फरमाया इनम कुस मकानक, अपनी जगह पे ठहरे रहो, नमाज पढ़ाओ। फरफा अबू बकर यदैहि, हज़रत अबू बकर ने जब इशारा देखा हुजूर का, फौरन हाथ उठाए, अल्लाह का शुक्र अदा किया। मुझे बताओ किस बात का शुक्र था? ये शुक्र इस बात का था, अला मा अमरहु बिही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिन ज़ालिक। हज़रत अबू बकर ने जैसे ही हुजूर ने कहा नहीं रुको, पढ़ाओ नमाज, नमाज पूरी करो, तो उन्होंने बारगाह इलाही में हाथ उठाए, ऐ अल्लाह तेरा शुक्र है कि नमाज पढ़ाने का हुक्म तेरे नबी ने दिया है, और मुसल्ले पे खड़ा होने की वजह से मेरे नबी राज़ी हैं, नाराज़ नहीं हैं। मेरे नबी ने भी मुझे हुक्म दिया कि हाँ हाँ तुम मेरे मुसल्ले पे नमाज पढ़ाओ। लोग कहते हैं कि नहीं, सबसे अफजल अबू बकर नहीं है माज़ल्ला रब्बिल आलमीन, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ के अलावा ये मौका पूरी लाइफ में किसी को मिला ही नहीं। मेरे नबी ने इशारा किया, नमाज़ पढ़ाओ, उन्होंने अल्लाह की बारगाह में हाथ उठा के दुआ की। सुम्मा इस्तअखरा अबू बकर, ये जानते हो क्या हुआ? हज़रत अबू बकर मुसल्ले से पीछे हट के सफ़ में आके लग गए, हालत नमाज में। ये चल क्या रहा है? मैं हैरान हूँ, क्या चल रहा है ये? दुनियादार कोई देखेगा तो सोचेगा नमाज टूट गई, इतना चलना फिरना, हथेली मारना, इशारा हो रहा है, नमाज टूट गई। मगर ऐ नादानों, नमाज इनकी टूटी नहीं है, ये नमाज लाने वाले पैगंबर हैं, अल्लाह ने इन्हीं के सदक़े में नमाज अता फरमाई है। अगर इनकी मोहब्बत दिल में नहीं होगी तो इन सजदों को अल्लाह कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह ने इन्हीं के सदक़े में नमाज अता फरमाई है। नमाज से पहले मोहब्बत रसूल है, सजदों से पहले इश्क़ मुस्तफ़ा का हुक्म है। हज़रत अबू बकर ने मुसल्ला छोड़ दिया नमाज में, नीयत बांधे बांधे पीछे आ गए। उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ले पे गए, हुजूर ने नमाज पूरी की, हत्ता इस्तवा फिस सफ़े, सफ़ में बराबर में लग गए जहाँ सहाबा इकराम लगे थे। व तकद्दम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर मुसल्ले पे तशरीफ़ ले आए। फलम्मा इंसरफा قال يا ابا بكر ما مناك, जब वो पीछे गए हुजूर मुसल्ले पे आए तो हुजूर ने उनसे जानते हो क्या कहा? अबू बकर क्या हुआ है, पीछे क्यों जा रहे हो? ऐ अबू बकर पीछे क्यों जा रहे हो? वो पीछे गए, सब बांधे, नियत बांधे, हुजूर आगे आ गए, और हुजूर मुसल्ले पे आने के बाद कह रहे हैं अबू बकर पीछे क्यों जा रहे हो? मा मनाक अन तसबुत इज़ा अमरुक, तुम्हें किस चीज़ ने रोका है नमाज़ पढ़ाने से, पीछे क्यों जा रहे हो जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया है? अब मोहब्बत का जुमला सुनिए, फ़क़ाल अबू बकर मा कान अली अबी कुहाफ़ा अन युसल्ली बैन यदै रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं या रसूलल्लाह, अबू बकर की, कुहाफ़ा के बेटे अबू बकर की ये मजाल कहाँ कि वह हुजूर के आगे खड़ा हो जाए? कुहाफ़ा के बेटे अबू बकर की ये मजाल कहाँ है कि वो अल्लाह के रसूल के आगे खड़ा हो जाए? या रसूलल्लाह, आप इमाम हैं, हम गुलाम हैं। या रसूलल्लाह, आप आका हैं, हम गुलाम हैं। आप दाता हैं, हम भिखारी हैं। आप वजह तख्लीक कायनात हैं। ये हमारी ज़िंदगी के मेराज है कि अल्लाह ने हमारे हाथों को आपके निस्बत से जोड़ दिया है, हमारे हाथों में आपका दामन है या रसूलल्लाह। कौन है ये? हज़रत अबू बकर सिद्दीक। हज़रत उमर को देखो आप, वक्त हो गया वरना बहुत कुछ बताता आपको। हज़रत उमर को देखिए, वान इब्न उमर अन्नहु काल युकब्बिलुल हजर व यकूल इन्नी आलमु अन्नका हजर ला तदुर्र व ला तन्फा व लौला इन्नी मा रायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युकब्बिलुका मा कब्बलतुका।
हज़रत उमर की मोहब्बत देखो। हज़रत उमर कहते हैं कब काबे का तवाफ़ करने के बाद जब गए हजरे अस्वद को चूमने, कौन? उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु। जब हजरे अस्वद को चूमने के लिए गए, खड़े हो गए सामने, चूमने से पहले कहते हैं ए हजरे अस्वद, ए हजरे अस्वद, मैं जानता हूँ कि ना तू नुकसान देता है ना फ़ायदा देता है। इन्ना का हजर, तू पत्थर है। इन्नी आलम व अन्ना का हजर, मैं जानता हूँ तू पत्थर है। ला तदुर्र वला तन्फा, ना तू फ़ायदा देता है ना नुकसान देता है। वलौला इन्नी मारायतु, वलौला अन्नी मारायतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका, मैं तुझे इसलिए चूम रहा हूँ कि मैंने हुजूर को तुझे चूमते देखा है। मैं फ़ायदे के लिए नहीं चूम रहा हूँ कि तू फ़ायदा देगा, या इसलिए नहीं चूम रहा हूँ, नहीं चूमूंगा तो नुकसान देगा। इन्नी आलम अन्ना का हजर, मैं जानता हूँ तू पत्थर है, मैं जानता हूँ तू पत्थर है। ला तदुर्र वला तन्फा, तन ना तू फ़ायदा देता है ना नुकसान देता है। वलौला अन्नी मा रअयतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युक़ब्बिलुका मा क़ब्बलतुका, मैं जानता हूँ तू कुछ भी नहीं करता है, लेकिन मामला ये है कि मेरी इन आँखों ने देखा है कि हुजूर तुझे चूमते थे, हुजूर के चूमने की वजह से उस तरीके पर अमल कर रहा हूँ। हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु ने क्या किया? काबे का तवाफ़ ही नहीं किया। क्या ना हुजूर अगर काबे का तवाफ़ नहीं करेंगे तो ग़ुलाम तो पूरी ज़िंदगी काबा तेरा तवाफ़ नहीं करेगा, चूँकि मेरे नबी ने तवाफ़ नहीं किया है। हज़रत अली से पूछ लो, अली तुम बताओ तुम्हारी राय क्या है? हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा गया, सुइलान अली रज़ी अल्लाह अन्हु कैफ कान हुब्बुकुम लिरसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, قال كان احب الينا من اموالنا وابائنا وامهاتنا واولادنا وازواجنا وفي كل شيء। हज़रत अली से पूछा गया, अली ये बताओ तुम हुजूर से कैसी मोहब्बत करते थे, कैसी मोहब्बत करते थे हुजूर से? हज़रत अली कहते हैं कान अहब्बु इलैना मिन अमवालिना, हुजूर हमारे मालों से ज़्यादा हमारे दिल के करीब है। माल की मिसाल उन्होंने इसलिए दी क्योंकि क़यामत तक आने वाले हर इंसान के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसका माल होगा। हमारे मालों से ज़्यादा हुजूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारी माँ से ज़्यादा, जिस माँ ने 9 महीने पेट में रखा, उससे ज़्यादा हुजूर हमारे लिए इम्पोर्टेंट हैं। हमारे बाप से ज़्यादा, जिस बाप ने उंगली पकड़ के चलना सिखाया, उस बाप से ज़्यादा अजीज़ हैं। हमारे बेटों से ज़्यादा, जिनके तड़पने पर हम पूरी रात बिस्तर पर लेटते नहीं हैं, बेकरार और बेचैन हो जाते हैं, उस औलाद से ज़्यादा। और अल्लाह ने इस कायनात में जितनी चीज़ों को पैदा किया, उन सब चीज़ों से ज़्यादा हम हुजूर से मोहब्बत करते हैं। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का अकीदा है। हुज़ूर के एक सहाबी अब्दुल्ला बिन ज़ैद, नाम भी याद रखना, वाक़िया भी याद रखना, मज़ा आ जाएगा। अब्दुल्ला बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह अन्हु एक सहाबी हैं, मदीने के करीब एक गांव में देहात में रहते हैं। जिस दिन हुज़ूर का विसाल हुआ, इनके बड़े बेटे ने आकर ख़बर दी, खेत में काम कर रहे थे, अब्बा आप जानते हो हुजूर के विसाल से चंद दिन पहले ये हुजूर से मुलाकात करके गए थे। कहा अब्बा आप जानते हो क्या हुआ है? कहा नहीं बेटा। कहा हमारे आका हुजूर विसाल फरमा गए। इतना सुना, चीख मारी, बेकरार ज़मीन पर लौटने लगे, हुजूर की मोहब्बत में तड़प गए, बेकरार हो गए। मेरे आका इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए और उसके फ़ौरन बाद हाथ उठा के अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह मुझे नाबीना कर दे, ऐ अल्लाह मुझे अंधा कर दे, ऐ अल्लाह मेरी आँखों की रोशनी ख़त्म फरमा दे। अंदाज़ा लगाइए मोहब्बत किसे कहते हैं। दुनिया का हर इंसान क्या कहता है? तुम्हें न देखा तो किस काम की है ये आँखें, कि देखने की है सारी बाहर आँखों में। एक शेर है ना शरीफ के अंदर, मेरे मौला मेरी आँखें मुझे वापस कर दे ताकि इस साल में दिल खोल के मदीना, इस तरह के अल्फाज हैं नात के, दुआ की जा रही है तमन्ना, ताकि इस बार मैं जी भर के मदीना देखूं। लेकिन अब्दुल्ला बिन जैद अंसारी की मोहब्बत की एक अजीब दास्तान है। हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं बारगाह इलाही में, ए परवरदिगारे आलम मुझे नाबीना कर दे, मुझे अंधा कर दे। हैरान है तारीख, पूरी दुनिया की हैरान है कि दुनिया में कोई ऐसा भी मोहब्बत करने वाला हो सकता है जो अंधा होने की दुआ मांग रहा है। अरे अब्दुल्ला बिन ज़ैद अंसारी, अजीब दुआ है तुम्हारी, अंधा होना चाहते हो? अंधा क्यों होना चाहते हो? दुनिया आंखें जाती है, तुम अंधा होना चाहते हो? कहते हैं जब मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने, मेरे गम गुसार ने,
मेरे दिल के चैनों सुकूनों करार ने जब पर्दा फरमा लिया है तो मुझे इन आँखों से अब देखना क्या है। जब मेरे आका ने पर्दा फरमा लिया है, अब इन आँखों से क्या देखना है मुझे दुनिया में, अब और है क्या देखने के लायक। मैं नाबीना इसलिए होना चाहता हूँ कि मैंने 4 दिन या 5 दिन या कुछ दिन पहले हुजूर का जलवा चेहरा देखा था, वो नूर आज तक मेरी आँखों में है। मैं चाहता हूँ कि मैं नाबीना हो जाऊँ ताकि आज के बाद कुछ और ना देख सकूँ। जो 1 हफ्ते पहले देखा था वो कयामत तक नूर मेरे नबी का मेरी आँखों में रहे। जब मेरे नबी ने पर्दा फरमा लिया है तो मुझे इन आँखों से देखना क्या है। अल्लाह अकबर। इस तरह के अल्लाह अकबर जानने वाले हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में हुजूर के मानने वाले गुज़रे। हुजूर के ज़माने में एक जंग में एक औरत के शौहर, भाई, बाप सब शहीद हो गए। बस एक आखिरी जुमला दिल पे नक्श करके ले जाइए और समझ लीजिए इश्क़ मुस्तफ़ा क्या है और ईमान क्या है। भाई, शौहर, बेटा सब शहीद हो गए। बाप, किसी ने आके खबर दी बहुत गम के साथ। उसे लगा कि मैं गम की खबर सुनाऊंगा तो यह भी रोने लगी, बेकरार परेशान हो जाएगी। तुम्हें मालूम है गालिबन जंग तबूक का या किसी और जंग का वाकया ये, तुम्हारे शौहर, भाई, बाप सब शहीद हो गए। कोई रिएक्शन नहीं दिया। लौट के जवाब में क्या कहा, बस तू ये बता दे मेरे आका कैसे है। बाप शहीद हो गए, परवाह ही नहीं की। बेटा शहीद हुआ, परवाह नहीं है। शौहर शहीद हुआ, रोई भी नहीं, पूछा भी नहीं। लौट के कहा, ऐ खबर देने वाले, पहली खबर ये दे मेरे आका कैसे है। मेरे आका कैसे हैं, मदीने के ताजदार कैसे हैं, बेकसों के कस कैसे हैं, बेबसों के बस कैसे हैं, बेसहारों के सहारा कैसे हैं, बेवसीलों के वसीला कैसे हैं, बेचारों के चारा कैसे हैं, टूटे हुए दिलों का सहारा कैसे है, ये बता मेरे आका कैसे हैं। उसने लोगों से कहा, मुझे बस एक नज़र कैसे ही दिखा दो जंग के मैदान में। मेरी आँख एक नज़र हुजूर को देखना चाहती है ताकि मेरे दिल को तसल्ली हो जाए कि मेरे आका मेरी निगाहों के सामने। जब लोगों ने उस औरत को जंग के मैदान में साइड से दिखा दिया कि अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हयात हैं, हुजूर ने पर्दा नहीं फरमाया, जंग में कोई नुकसान नहीं हुआ है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलामत हैं और उसके अपने बेटे, शोहर, भाई शहीद हो चुके हैं, तो उसने कहा था, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छुट जाए अगर दौलते कौनैन तो क्या गम, छूटे न मगर हाथ से दामाने मोहम्मद। या रसूल अल्लाह, कोई हो या ना हो, हम औरतों को आपसे पहले इज्जत मिलती नहीं थी, हमें कोई इज्जत नहीं देता था, ना बाप, ना भाई, ना बेटा। ये आपके आने की, आपके कदमों की बरकत है। ये ऐलान आपने किया था मदीने में कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, ये ऐलान आपने किया था। बेटी का मकाम आपने कहा था, मेरी आंखों की ठंडक है फातिमा, ये मकाम आपने दिया था। ये सारे रिश्ते नाते हमें इज्जत बाद में देने लगे, हमारी पहली इज्जत तो या रसूल आपके कदमों से वाबस्ता है। आप सलामत हैं तो हम सलामत हैं, शोहर, भाई, ये सब साथ छोड़ देने वाले, मगर या रसूल अल्लाह आप की निस्बत दुनिया में भी काम आने वाली है और कयामत के मैदान में भी काम आने वाली है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम। इस एक हदीस पर अगर बात की जाए तो महीने गुजर जाएंगे और बात मुकम्मल नहीं होगी। एक हदीस, एक लाइन की, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिहि व वलदिहि वन्नास अजमईन। तो मैं कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन हो ही नहीं सकता जब तक कि माँ बाप से ज़्यादा, औलाद से ज़्यादा, कायनात की हर चीज़ से, अपनी जान से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत न करें, वो ईमान वाला हो ही नहीं सकता। कोशिश कीजिए गुनाहों से दूर हो जाएं। ज़िंदगी में ज़बान से जुमला निकालने से पहले ये ज़रूर सोच लें कि हमारी ज़बान से ये निकलने वाला जुमला ऐसा तो नहीं है कि जिससे हमारे आका नाराज़ हो जाएं। इसलिए कि क़यामत के मैदान में जब सब साथ छोड़ देंगे, आदम से लेके हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम तक सब के पास जाएंगे, सब कहेंगे इज़हबो इला गैरी, क़यामत के भी मैदान में मेरे नबी कहेंगे अना लहा, ऐ परेशान लोगो परेशान मत हो, मेरे झंडे के नीचे आ जाओ, अल्लाह ने आज के दिन का दूल्हा तो मुझे बनाया है।
मेरे नबी दुनिया में भी काम आने वाले आ रहे हैं और इंशाअल्लाह क़यामत के मैदान में भी हम अपने नबी की शफ़ात से जन्नत में जाएंगे। अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं परवरदिगार आलम हम सबको शबे कद्र की बरकतों से माला माल फरमाए, और जहाँ जितने भी हमारी देखने वाले भाई हैं मैं सबके लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ करता हूँ परवरदिगार आलम सबकी जायज़ मुरादों को पूरा फरमाए, सबके कारोबार में बरकतें अता फरमाए और हम सबको हमारे मुल्क को बल्कि पूरी दुनिया को इस मुबारक 27वीं शबे कद्र की बरकत से अल्लाह कोरोना वायरस से निजात अता फरमाए। وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته।